अपनी जो भी क्वेरी है चैट हेड के थ्रू या वॉइस मोड से आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर आप शेयर करेंगे तो मोर इंटरेक्टिव सेशन रहेगा, कुछ डाउट क्लियर होंगे आपके। तो काउंटिंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ CA फाउंडेशन, इवन ये फर्स्ट पेपर है आप जानते हैं। हमारा जो अकाउंटिंग का एग्जाम है CA फाउंडेशन का फर्स्ट एग्जाम है और ये मोस्ट फेमिलियर सब्जेक्ट है हमारा। क्या होता है, प्लस वन प्लस टू में भी अपन ने बहुत टाइम इस पर डिवोट किया होता है। अगर किसी स्टूडेंट का अकाउंटिंग का एग्जाम अच्छा ना हो, इमोशनली भी वो क्या है, डाउन हो जाता है। उसे फील होता है कि भाई मेरा अकाउंटिंग ही अगर अच्छा नहीं हुआ तो मैं बाकी में क्या परफॉर्म करूंगा। इसलिए अकाउंटिंग का जो फर्स्ट पेपर है ये आपको अच्छा प्रिपेयर करना है, इसमें आपको हाईएस्ट स्कोर करना है। और वैसे भी ये प्रैक्टिकल बेस्ड है तो इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे मैथ्स के एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करते हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 out of 5 आप उसमें अवॉर्डेड होते हैं, उसी तरह से इस अकाउंटिंग के अंदर भी आपको अच्छा स्कोर गेन करने को मिलता है। तो इसमें क्या चीज़ें, कुछ ऐसी बातें हैं जिस पे अगर फोकस करें तो आप इस जो सब्जेक्ट है अकाउंटिंग इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे और आपकी टेंशन भी क्या है, काफ़ी कम होगी। तो कुछ बातें हैं, वैसे कुछ जनरल चीज़ें हैं। आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, लास्ट मंथ है ये आपका जस्ट बिफोर एग्ज़ाम, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि इस लास्ट मंथ में फोकस ऑन मोर रिवीजन। आपका फोकस रिवीजन पे रहना चाहिए। लास्ट मंथ में आपको 4 एग्जाम देने होंगे और 1 डे का गैप रहता है, तो उसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि आप 1 डे के गैप में पूरा सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, ना ही लॉ का, ना ही मैथ का और ना ही इकोनॉमिक्स का। तो आपको बिफोर 1 मंथ एग्जाम आपको 5-6 डेज मैथ, 5-6 डेज आपको इको और 6-7 डेज लो और 6-7 डेज अकाउंट पे डिवोट करना होगा। आप, मैं आपको सजेस्ट करूंगा फर्स्ट आप अभी क्या प्रिपेयर कर लो, इको और मैथ्स। इको और मैथ पे आप क्या है 12-13 डेज डिवोट कर दो, 12-13 डेज इको और मैथ्स पे। और लास्ट के जो 16-17 डेज होंगे आप फोकस करो फर्स्ट लो, देन आफ्टर जस्ट बिफोर एग्जाम अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग एग्जाम से 5-6 डेज 7 डेज पहले आप प्रिपेयर शुरू कर दें इसका अकाउंटिंग का, क्योंकि लास्ट मोमेंट में 2 सब्जेक्टिव पेपर आपने देने हैं, अकाउंटिंग एंड लॉ। तो जितना आप एग्जाम डेज के क्लोज में प्रिपरेशन करेंगे उतना ही आपके माइंड में ज़्यादा रिटेंशन रहेगी इनकी। ये दोनों पेपर इको और मैथ क्या है, ये MCQ में है, फिर भी कंपैरेटिवली इसमें क्या है, आपको सोल्व कर करके करने की प्रैक्टिस नहीं करनी। लॉ में भी केस लॉ याद करने हैं, सेक्शन याद करने हैं, अकाउंटिंग में आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, इसलिए इस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम डिवोट करना है, सब्जेक्टिव पेपर है। तो आपके पास अगर 1 मंथ है 6 डेज ईच आप इको के लिए और मैथ्स के लिए डिवोट कर दो 5-6 डेज 12-13-14 डेज में। रिमेनिंग 16-17 डेज आप किस पे डिवोट कर दो, लॉ एंड अकाउंटिंग पे। 6-7 डेज लॉ पढ़ लो, लास्ट के जस्ट बिफोर एग्जाम अकाउंटिंग पढ़ेंगे 7 डेज 6 डेज 8 डेज। तो ये एक अच्छा आपका प्लान रहेगा। ओके, तो आपको इस पे फोकस करना है। कुछ और बातें जो ध्यान रखनी है, हमें कई बार ऐसी हैबिट नहीं होती राइटिंग की। प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चे आजकल क्या करते हैं, कैलकुलेटर उठाया या आपने अपना मोबाइल फोन उठाया उसी पे कैलकुलेशन कर ली, जो भी कैलकुलेशन है, या कैलकुलेटर पे कर ली, आपको राइटिंग की प्रैक्टिस ही नहीं रही। और आजकल तो एक ट्रेंड चल रहा है, लोग टैब लेते हैं, बड़े बड़े टैब लेते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व उसी टैब पे कर रहे हैं, टैब पे राइटिंग पेन से वो जो स्टाइलस होता है उससे राइटिंग कर रहे हैं, उसी में अपना नोट्स जो है सेव कर लेते हैं। उससे क्या प्रॉब्लम आती है, ऐसा अगर करते हैं तो उनको राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं रहती। जब एग्जाम में 3R में पेपर राइट डाउन करना होता है ना तो पेन अच्छे से नहीं चलता, ये प्रॉब्लम अक्सर स्टूडेंट बताते हैं। तो आपको पेपर वर्क करो,
पेपर वर्क यानी प्रैक्टिस करो, कर करके करो, टैबलेट पे प्रैक्टिस मत करो। कैलकुलेशन जो भी करो, कैलकुलेटर यूज करो, पेपर वर्क करो। पेपर में 3 आर आपने राइटिंग पे स्पेंड करने हैं तो प्रॉपर वे में करो, वरना पेन के ऊपर होल्ड ही नहीं रहता स्टूडेंट का। और फिर वो कहता है जी स्पीड नहीं बन रही, जब एग्जाम होता है उसके बाद कहता है कि सर एग्जाम लेंथी था, अटेम्प्ट नहीं हो पाया। इस तरह की प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है क्योंकि वो राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। ओके, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर, हाउ आर यू? ठीक ठीक है। तो अकाउंटिंग एग्जाम में आपको पेपर वर्क की प्रैक्टिस बहुत करनी है। और एक जो प्रॉब्लम आती है एग्जाम में, स्टूडेंट क्या करता है, वर्किंग नोट जो है वो रफ वर्क में कर लेता है, रफली रफ पेपर पे वर्किंग नोट बनाता है, क्वेश्चन सोल्व करता है, उसे सही लगा उसका आंसर वहां कोट करता है जहां पे उसने नंबर आंसर स्टार्ट किया है। वर्किंग नोट उसके रफ में पड़े रह जाते हैं। जो रफ में वर्किंग नोट है, एग्जामिनर रफ पेपर पे ढूंढ के आपको मार्क्स अवॉर्ड नहीं करेगा। आपके पेपर के ऊपर मेंशन होता है ऑल वर्किंग नोट्स एंड अजम्पशंस मस्ट बी द पार्ट ऑफ योर आंसर। ये क्वेश्चन पेपर के ऊपर मेंशन है तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझो। ऑल वर्किंग नोट्स एंड अजम्पशंस मस्ट बी द पार्ट ऑफ योर आंसर। तो वर्किंग नोट बहुत से स्टूडेंट के रह जाते हैं, रफ वर्क में पड़े रह जाते हैं। तो वर्किंग नोट सिस्टम से बनाओ, मार्क्स के अकॉर्डिंग बनाओ। अगर क्वेश्चन 10 मार्क्स का, सपोज फाइनल काउंट का आप क्वेश्चन कर रहे हैं, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं और बैलेंस शीट बना रहे हैं, कोई बैड डेट्स की कैलकुलेशन आ गई बैड डेट्स प्रोविजन की, या कोई डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन है, आप इसका वर्किंग नोट नीचे बनाएंगे, कैलकुलेटर पे करके काम नहीं चलेगा कि आपने तीनों सेट्स का डेप्रिसिएशन कंप्यूट किया और पी एंड एल में और बैलेंस शीट में आंसर आपने शो कर दिया, उससे आपको मार्क्स अवॉर्ड सही से नहीं होंगे। तो आपको बैड डेट्स का प्रोविजन है, डेप्रिसिएशन है, क्लोजिंग स्टॉक की कोई करेक्शन है, उसका वर्किंग नोट शो करना है। हाँ, अगर वो ट्रांजेक्शन में इतना नहीं है कि वर्किंग नोट की जरूरत हो, जैसे सपोज सिंगल एक एडजस्टमेंट है मेक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो आप उसे डायरेक्ट पी एंड एल में शो कर दें, प्रॉफिट एंड लॉस में ही शो कर दो आप टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बस और कुछ है ही नहीं। सपोज डेटर 1 लाख है, 10% प्रोविजन आपने बनाया, ब्रैकेट में शो कर दिया बैलेंस शीट के अंदर, तो आप डेटर में से लेस करके शो करेंगे 1 लाख लेस प्रोविजन कितना 10। तो आप इसका वर्किंग नोट ना बनाएं क्योंकि इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन जहां पे आपको बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, ओल्ड प्रोविजन भी हो, तो वहां पे वर्किंग जो नोट है वो मस्ट बी रिक्वायर्ड है। तो आपको ये वर्किंग नोट्स पे फोकस करना है। अक्सर वर्किंग नोट्स पे स्टूडेंट ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करते, रह जाते हैं, पेपर सारा सही है लेकिन मार्क्स आ रहे हैं उनके 100 में से 70-65। क्या सर सारे आंसर टैलिड हैं पर मार्क्स कहां कटे? वर्किंग नोट नहीं उसने बनाए, ये ध्यान रखना है। और एक बात क्या होता है कि आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का, अकाउंटिंग के एग्जाम में आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा 20 मार्क्स के लिए, वो कंपलसरी है, कंपलसरी होगा, वो आपको करना है। मींस इसके अंदर कोई चॉइस नहीं है, आपको आएंगे अटेम्प्ट एनी 4 out of 5 क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, 3rd क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, इनमें से आपको एनी 4 अटेम्प्ट करने हैं। अब होता क्या है, स्टूडेंट को सारा आता है, उसको ये एक्स्ट्रा वाला जो एक क्वेश्चन आना है वो भी आता है, 4 करने ना 6 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट एनी 4, उसको ये 5 आते हैं और वो हरी में कि चलो सारा करेंगे, मेरे को आता है, मन करता है सारा करेंगे, वो इतनी स्पीडली पेपर करता है कि मुझे 6 के 6 करने हैं, अटेम्प्ट 5 करने हैं,
आपको आता सारा है तो आप स्पीडली सारा पेपर ओवर अटेम्प्ट भी कर देते हैं एक क्वेश्चन, क्योंकि मजा आ रहा है कि आता है यार ये भी कर दो यार, लेकिन बेनिफिट उसका कोई मिलने वाला नहीं है। आप अच्छे से देखो कि कौन से बेस्ट क्वेश्चन आपको लगते हैं, जिस पे आप ज़्यादा फेमिलियर हैं, ज़्यादा होल्ड है, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। मार्क्स तो उसने 4 के ही देने हैं एग्जामिनर ने, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में आप उनके वर्किंग नोट कम बना आते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन शॉर्ट में क्या होता है अक्सर जो ICIE टाइम टू टाइम सजेस्टेड पेपर देता है और बच्चों के मार्क्स के ऊपर भी कुछ कमेंट्री देता है इस तरह की कि क्यों मार्क्स कम आए किस पेपर में, तो वो कहता है कई बार ना बहुत शॉर्ट चलते हैं, डेटर लिखना है बच्चा उसे DRE लिख रहा है, ठीक है, और भी बहुत सी चीजें, अब नॉर्मल लॉस लिखना है वो अब नॉर्मल लॉस ना लिख के ABL लिख रहा है, ABL अब नॉर्मल लॉस या AB डॉट करके छोड़ रहा है। एक दो जगह अगर थ्योरी लिख रहे हैं और बार बार रेपिटिशन हो रही है तो शॉर्ट में लिखो, लेकिन सारे पेपर में न्यूमेरिकल बैलेंस शीट ट्रेडिंग अकाउंट हर जगह आप क्या लिख रहे हो शॉर्ट में। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स PBD लिख रहा है, ये बहुत आम है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लिख ही नहीं रहा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की जगह PBD। उससे क्या होता है जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एब्रीवेशन स्टाइल में आप लिखते हो, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो, तो प्रेजेंटेशन थोड़ी बिगड़ जाती है, देखने वाले को भी सोचना पड़ता है ये PBD क्या लिख दिया है, डेटर को DR या DT लिख दिया है, ठीक है, बैलेंस शीट को BS से लिख रहा है, हर जगह लिख रहा है, हर जगह BS as on ऐसे करके लिख रहा है हर जगह, P&L, मतलब ठीक है कुछ जगह रेपिटेशन हो रही है वहां यूज करो, लेकिन होल ऑफ द पेपर में आप ये शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। उससे क्या होता है अगर मैं पेपर चेक कर रहा हूँ मुझे थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छी सी नहीं लगती, बैलेंस शीट को भी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है, डेटर को भी, अबनॉर्मल को भी, बैड डेट्स प्रोविजन को भी, तो हर जगह शॉर्ट में चल रहा है, उससे क्या है मार्क्स अवॉर्ड करते वक्त हो सकता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आपको 4 ही दे दे या 3.5 ही दे दे, क्वेश्चन सारा सही है लेकिन आपने बहुत शॉर्ट में किया। बैलेंस शीट बना रहा है, बैलेंस शीट बनाते वक्त वो इधर असेट्स लाइबिलिटी मेंशन ही नहीं करता, लाइबिलिटीज एसेट्स वो तो कम से कम मेंशन कर दो, नीचे टोटल आएगा, असेट्स लाइबिलिटी तो मेंशन कर दो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहा है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेंशन ही नहीं करता, डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना देता है, तो उससे प्रेजेंटेशन थोड़ी सी बिगड़ती है, उससे क्या होता है एक नंबर दो नंबर वो आपको कम अवॉर्ड कर देगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम छोटी छोटी गलतियां हैं सब कुछ करके, वो कहते हैं ना कि जंग तो जीत ली लेकिन ऐसी चीजों से क्या है आप हार गए, 10-20 नंबर आपके 15 नंबर ऐसी चीजों से आप लूज कर गए, तो ये ध्यान रखना है ऐसी एरर आप ना करें, इसको आपने बड़े अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना है। और एक बात, जैसा कि इंस्ट्रक्शन आपके पास आए हैं ब्लैक पेन यूज करना है, आपने ब्लैक पेन का यूज करना है, ब्लैक बॉल पेन, वैसे ऐसा है पास्ट में किसी ने ब्लू पेन भी यूज किया तो ऐसा नहीं है कि पेपर नहीं चेक हुआ, पेपर चेक होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको इंस्ट्रक्शन एडवाइजरी दी गई है कि ब्लैक पेन यूज करो, तो ब्लैक बॉल पेन यूज करो ना, उसकी स्कैन कॉपी अच्छी होती है, आपके जो पेपर चेक करता है ना एग्जामिनर उसके पास क्वेश्चन पेपर पेपर फॉर्म में नहीं जाते, आपकी जो आंसर शीट है उसे स्कैन करके ICIE शेयर करता है और एग्जामिनर चेक करता है, तो स्कैन करने से ब्लैक जो राइटिंग है वो अच्छी इमेज स्कैन होती है, क्लैरिटी ज़्यादा होती है, कम MB की फाइल बनती है, तो आपको ब्लैक पेन से राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत बार होता है हम होल द ईयर ब्लू पेन यूज कर रहे हैं, एग्जाम में डायरेक्ट आप कौन सा पेन उठाते हैं ब्लैक पेन, जब एकदम से हम लोग यहाँ ब्लैक पेन से करते हैं बोर्ड पे, अगर हमें एकदम से कोई और पेन से लिखने को कहें तो हमें भी थोड़ा अजीब सा फील होता है, हमें लगता है स्पीड नहीं बन रही, कुछ अबनॉर्मल फील होता है, क्योंकि हम हैबिचुअल नहीं हैं, तो आप एग्जाम से कुछ दिन पहले आप ब्लैक पेन यूज करना शुरू कर दें, ताकि जब एग्जाम में जाएं तो आपको कोई वहां पे इस तरह से अबनॉर्मल फील ना हो, तो आप प्रैक्टिस करो स्टार्ट, मतलब 10-15 दिन जस्ट बिफोर एग्जाम ब्लैक पेन से राइटिंग शुरू कर दो, वैसे भी ऑलमोस्ट CA ब्लैक पेन यूज करते हैं, तो हम अभी से क्यों ना प्रैक्टिस करें, हमारा करियर आगे CA का है, तो ब्लैक पेन यूज करना शुरू कर दो, जरूरी है। ओके,
इसमें बड़ी क्वेरीज मेरे पास आती रही हैं कि सर सपोज मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया आगे, और एक और बात, वैसे तो आप लोगों को पता है एक स्टूडेंट पूछ रहा है, मैं उसकी बात करता हूं। स्टूडेंट कहता है कि सर फर्स्ट क्वेश्चन अगर नहीं करेंगे 20 मार्क्स का जो कंपलसरी है तो क्या पेपर चेक नहीं होगा? ये एक मत बच्चे हैं, देखो प्लस टू के माइनर होते हैं, प्लस टू करके आप फाउंडेशन में आ रहे हैं तो बच्चे डरे भी होते हैं सीए फाउंडेशन के नाम से, तो वो सोचता है कि सर फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करूंगा जो कंपलसरी लिखा है, तो इसका मतलब वो कंपलसरी करना है, मुझे नहीं आता तो सर क्या पेपर चेक नहीं होगा? पेपर चेक होगा। कंपलसरी मीन्स उसमें कोई चॉइस नहीं है, करोगे तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं मिले करोगे तो 20 गए। आपको चॉइस इन 5 क्वेश्चंस में है, अटेम्प्ट एनी 4 out of 5, इसका ये मीनिंग है। ये नहीं कि नहीं करोगे तो चेक नहीं होगा, ये चॉइस है। ओके, ये जो 5 क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट पूछता है जी मैंने 5 कर दिए, हुआ क्या कि सर मैं ये पेपर कर रहा था, मैंने ये वाला क्वेश्चन शुरू किया थर्ड, मैंने कर तो दिया पर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने एक एरर कर दिया, इसमें इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है शायद मुझे लग रहा, लेकिन उसने कर दिया जैसे समझ में आया, 4th, 5th क्वेश्चन और कर दिए, लास्ट में उसे मान लो ये क्वेश्चन उसने कंप्लीट कर दिया, ये कर दिया और ये कर दिया, उसके पास ये क्वेश्चन उसने छोड़ा है, इसमें थोड़ा डाउटफुल है वो कि ठीक है कि नहीं, और उसने देखा टाइम देखा 20 मिनट्स अभी रिमेनिंग है पेपर टाइम ओवर होने में, तो वो सोचता है कि ये क्वेश्चन आता है ये वाला क्वेश्चन उसने और कर दिया, तो कहता है सर मेरा ये क्वेश्चन सही हो गया, ठीक है ये, लेकिन मैंने लास्ट में किया, लास्ट में, और उससे पहले ये कर दिया, तो इस केस में एग्जामिनर क्या करेगा? देखो मेरी सजेशन तो ये है कि आप पहले वही अटेम्प्ट करें जो बहुत अच्छे से आते हैं, मोस्ट फैमिलियर हैं, लेकिन जहां तक मैंने जो एग्जामिनर हैं उनसे डिस्कशन की है या मेरी जितनी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैं अगर पेपर चेक करूंगा तो 5 out of 5 जो है उसके मार्क्स अवॉर्ड करूंगा। इसमें एग्जामिनर क्या करता है अक्सर, ये उसका पर्सनल ओपिनियन है, वो ये भी कर सकता है कि मैं 4 अटेम्प्टेड चेक करूं, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है वो क्या करता है, इस क्वेश्चन के मार्क्स इस क्वेश्चन से ज्यादा है तो इसको इसके मार्क्स छोड़ देगा, 5 out of 4 आपको अवॉर्ड कर देगा नॉर्मली। ओके, एक और बात, क्वेश्चन पेपर में जो ये क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस के अंदर पार्ट आते हैं, जैसे सपोज क्वेश्चन नंबर 2 इसका ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट है, मान लो 5 मार्क्स 5 मार्क्स 5 मार्क्स, 20 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है, 5-5 नंबर के 20 मार्क्स। अब होता क्या है इसमें, स्टूडेंट क्या करता है, उसको ये वाला पार्ट आता है, ये पार्ट उसने कर दिया, चलो ये वाला भी कर दिया उसने, 3 पार्ट कर दिए, ये वाला पार्ट नहीं आता उसे, अब वो क्या करता है स्पेस छोड़ देता है, इस पार्ट को बाद में करूंगा, ये थोड़ा नेगेटिव है, अगर स्पेस छोड़ा है तो उसको आप फिल करो, मीन्स उसमें कुछ राइट करके आओ लास्ट में, क्योंकि थोड़ा नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे कि ये स्पेस छोड़ा हुआ है बीच में, क्या इंटेंशन है स्पेस छोड़ने की, थोड़ा ऐसा रहता है। और बच्चा कहता है जी मेरे पास लास्ट में टाइम ही नहीं बचा, मैंने स्पेस छोड़ा था कि मुझे रफली सा आइडिया है, कुछ दिमाग में काम चल गया, कोई लास्ट में देखूंगा तो कर दूंगा, नहीं तो जैसे समझ आया वैसे, लास्ट में टाइम नहीं बचा तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं, पर कोशिश करो कैसे स्पेस ना छोड़ो, क्वेश्चन ही वही शुरू कर लो जिसके सारे पार्ट आते हैं, ताकि इस तरह से स्पेस छोड़ना ना पड़े। कई बार स्पेस भी नहीं छोड़ा, बंदा कहता है जी मैंने ये क्वेश्चन कर दिया क्या 2nd का A 2nd का B और 2nd का C 2nd का D B C D कर दिया, आप फिर उसने अटेम्प्ट कर दिया क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4, देन आफ्टर वो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट कर रहा है, ऐसे करना नहीं चाहिए, आपको सारे पार्ट एक ही जगह पे करने चाहिए। लेकिन मैंने इस रिगार्डिंग भी कुछ एग्जामिनर से बात की, वो कहता है जी है तो देखो गलत ही है, आपको क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हो तो उसके ऑल पार्ट एक ही जगह इकट्ठे करो, आगे जाके नहीं गई, क्योंकि एग्जामिनर ढूंढता थोड़ी रहेगा कि एक पार्ट आपने यहां कर दिया, एक पार्ट आगे कर दिया, फिर एक पार्ट पीछे,
लेकिन जो एग्जामिनर के पास शीट होती है ना, जिस पे वो मार्क्स अवॉर्ड करता है, उस पे ऐसे हेड बना होता है कि क्वेश्चन नंबर टू के मार्क्स ए बी सी डी कितने, तो उसने बी सी डी चेक किया, उसके मार्क्स अवॉर्ड कर दिए, आगे जाके उसे 2A मिला, तो वो अक्सर वो इसके भी मार्क्स अवॉर्ड कर देता है कि बच्चे ने किया तो आई है और उसे भी क्या प्रॉब्लम है, उसके पास शीट जो है उस पे मार्क्स ऐसे हैं ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी पार्ट, बी सी डी उसने अवॉर्ड कर दिए, आगे जाके ए दिखा, उसके मार्क्स वो अक्सर अवॉर्ड कर सकता है। पर याद रखना, ये अगर एग्जामिनर अच्छा है, उसकी इंटेंशन पे है, वो छोड़ भी सकता है। उसने उसे पहली क्रॉस कर दिया ए पार्ट को, किसने अटेम्प्ट नहीं किया, आगे जाके कर रहा है तो उसको क्या है, हो सकता है वो मार्क्स अवॉर्ड ना करे। तो इसलिए आप कोशिश करो सारे पार्ट उस क्वेश्चन के एक ही जगह इकट्ठे करो, ऐसी गलती ना करो कुछ पार्ट किधर कुछ, तो आप सोचो जी एग्जामिनर को प्रॉब्लम कितनी आ जाएगी, कुछ पार्ट कहाँ कर रहे हैं, फिर एक क्वेश्चन कर दिया, फिर किसी और का एक पार्ट कर दिया, फिर कोई क्वेश्चन कर दिया, फिर एक पार्ट और कर दिया, ऐसे कोशिश करो ना करो, एक ही जगह करो तो ज़्यादा बेस्ट है। पर बाय चांस आता ही नहीं है, बाद में आपने सोचा कि चलो टाइम पड़ा है, जितना का तय कर दो, सब्जेक्टिव पेपर में नेगेटिव मार्किंग है नहीं और कर भी लास्ट में रहे हैं, तो कर दिया तो हो सकता है आपको थोड़ा सा बेनिफिट उसका मिल जाए, एग्जामिनर छोड़ देगा वैसे भी। और फर्स्ट पेज जो है उस पर आप जो क्वेश्चन करके आए टिक करके आओ, जो फर्स्ट पेज होता है आंसर शीट का, उस पे आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आप देखो उसके अंदर टिक कर दो, उसमें टिक कर दो, मैंने फर्स्ट किया है, थर्ड किया है, फोर्थ फिफ्थ जो भी किया है, सिक्स नहीं किया छोड़ दो बस, तो टिक कर दो, ताकि कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर के ध्यान में ना रहे, एक पेपर के मार्क्स एक क्वेश्चन के मार्क्स ही नहीं अवॉर्ड किए, तो यहां से एग्जामिनर को भी अलर्ट मिलता है कि उसने ये वाला क्वेश्चन किया है, इसके मार्क्स अवॉर्ड करने हैं। तो नॉर्मली तो अब आईसीआई में ऐसा होता नहीं, एग्जामिनर बड़ा कॉन्शियस होकर पेपर चेक करता है, उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन भी होती है कि पेपर सही चेक कर रहा है कि नहीं, बट फिर भी आप थोड़ा सा अपनी ओर से पूरा तैयार करके चलो, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट एग्जाम है, पूरा फोकस करना है, एग्जाम डेज चल रहे हैं अब, इन दिनों में आप ध्यान रखो, कई बार हम ख्याली पुलाव बहुत बनाते हैं, हम सोचते हैं जी एग्जाम हो गया अब हमने गोवा घूमने जाना है, कोई सोच रहा है जी दुबई जाना है, कोई कहता है ताजमहल देखेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ प्रोग्राम बना रहा है, कहते हैं जाना तो एग्जाम के बाद है सर, अभी तो प्रोग्राम बना रहे हैं। प्रोग्राम मत बनाओ, प्रोग्राम तो सुबह बनाओ, शाम को भी निकला जा सकता है आजकल, तो प्रोग्राम अभी ना बनाओ। क्या होता है ना, हमारा जो मन है ना, वो कहते हैं ना मन चंचल बलवान चले पवन की चाल, तो मन समझाए समझता नहीं है। अगर आपने टर प्लान कर लिया कि मुझे जयपुर जाना है घूमने, अभी आपके माइंड में जयपुर का आएगा माइंड में कि भैया वहाँ एक राज मंदिर है, वहाँ मूवी देखेंगे, वहाँ पे अमेरिका किला है वो देखेंगे, जयसिंह किला है वो देखेंगे, माइंड अपने आप ही उधर जाना शुरू हो गया। फिर मन करेगा चलो नेट पे देख लो कि वहाँ पे और घूमने लायक क्या है, होटल कौन सा है। एग्जाम डेज चल रहे हैं और जब जयपुर घूम रहे हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। तो इसलिए कोशिश करो एग्ज़ाम डेज में कोई भी टूर प्लान ना करो। और अक्सर ऐसी भी प्रॉब्लम आती हैं, एग्ज़ाम से चार दिन पहले किसी कज़न की मैरिज है या किसी फ्रेंड के ब्रदर की मैरिज है, वो आपको कहते हैं भाई 2 आवर के लिए आ जा, बस 2 आवर के लिए आ जा, 3 आवर के लिए आ जा, बस यहीं से वापस। कोशिश करो अगर पॉसिबल है तो अवॉइड करने की, अवॉइड करो, क्योंकि बात 2 आवर की नहीं है। जब आप जाने का सोचोगे तो आपके मन में आ रहा होगा ड्रेस कौन सी डालूं, अच्छा वहाँ डांस भी करना पड़ेगा, कुछ नोट भी ले लो, नोट भी लुटाने पड़ेंगे, अच्छा ऐसे होगा वैसे होगा, जाऊंगा किसके साथ। तो ये ना 2-4 दिन पहले ही माइंड चलने लग जाता है इस तरह से कि हाँ मुझे उस प्रोग्राम में जाना है। उसका रिजल्ट क्या होता है, आपके परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आता है। ये प्लानिंग जो है इग्नोर ही कर दो, पूछा जाना है तो ना, बस जब प्लान ही नहीं होगा तो मन उधर सोचेगा भी नहीं। कोई कह रहा है टूर पे चलेगा आपको, जी नो, एग्जाम के बाद देखूंगा क्या होगा क्या नहीं, इस पे जरूर फोकस करना। आप कुछ और, अगर मैं अपनी टीचिंग लाइफ का अगर एक्सपीरियंस शेयर करूं मैं आपसे, तो कुछ और टिप्स हैं, एग्जाम टिप्स या आप कह दो स्टडी टिप्स। आप हमेशा कोशिश करो जब आप स्टडी करें रूम स्मॉल साइज का हो, कभी नोट कर लेना,
एक बहुत बड़ा रूम है, बड़ा हॉल है, आप उसमें स्टडी कर रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम आएगी आपको जब उस हॉल में स्टडी करेंगे? तो कुछ ना माइंड जो है कंसंट्रेट कम करेगा, इधर उधर थोड़ा सा बड़े हॉल में बेचैनी क्रिएट करता है। एक स्मॉल रूम है, स्मॉल रूम के अंदर बस ठीक है, कोई 8-10 फीट जगह है, उसमें आपका मन जो है अच्छा कंसंट्रेट करेगा, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएगा, नॉर्मली ऐसा होता है। दूसरा, जो रूम हो उसमें 9 पिक्चर ऑफ एनी फ्रीडम फाइटर या कोई मोटिवेशनल स्पीकर है या कोई रिलीजियस पर्पस से किसी डाइटी की भगवान की कोई फोटो ना लगाओ, क्योंकि जब ये फोटोज लगी होती है ना तो पढ़ते पढ़ते ध्यान जाता है, हाँ जी हाँ ये तो फ्रीडम फाइटर थे, इन्होंने ये किया, या भगवान की कोई प्रतिमा लगी है तो फिर प्रे करना शुरू कर देते हैं आप कि ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, अब आपके हाथ में, आप ही बचाओगे। मतलब वो ध्यान जो है, आपका माइंड जो है वो कंसंट्रेट नहीं करता, वो इधर उधर हो जाता है। तो कोशिश करो आप उस रूम में कोई पिक्चर ना हो, कोई स्टैचू ना हो, रूम बिल्कुल प्लेन वाइट वॉश हुआ हुआ है, बस खाली रूम हो, ठीक। उस पर आप एक वाइट बोर्ड लगाओ, वाइट बोर्ड, वाइट बोर्ड, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसके सेक्शंस लिख लो, लॉ पढ़ रहे हो तो उसके केसेस लिख लो, अकाउंट पढ़ रहे हो तो कुछ कंसेप्ट्स लिख लो, थ्योरी के कुछ कंसेप्ट्स लिख लो। उससे क्या होगा, जब भी आप रूम में 5 बार 7 बार आएंगे जाएंगे, खाना खाएंगे, आपका ध्यान उस बोर्ड पे जाएगा। या कोई चार्ट लगा लो, उस पे सेक्शन लिख लो सारे, या कोई केसेस लिख लो, या कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिख लो। आपको खाना खाते इधर उधर जब भी आप जाएंगे, कभी वॉशरूम जा रहे हैं फिर आ रहे हैं, आपका ध्यान सीधा उस व्हाइट बोर्ड पे, और वो चीजें आपके माइंड में आती रहती हैं। आप एक वैसे ही देख लो, किसी नोटिस बोर्ड पे कोई चीज लिखी और आप वहां से डेली क्रॉस करें, उस चीज पे डेली आपका ध्यान जाता है, तो वो चीज आपके माइंड में अच्छे से फिट हो जाती है। तो आप कोशिश करो कि ऐसा चार्ट लगा लो या व्हाइट बोर्ड पे ऐसी टर्मिनोलॉजी आप मेंशन कर लो तो अच्छा रहेगा। लाइट जो है फ्रॉम लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, अगर आपके रूम में लेफ्ट राइट दोनों तरफ ट्यूबलाइट है तो फिर तो परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ट्यूबलाइट एक है तो आप अपना टेबल या स्टडी चेयर जो है वो इस तरह घुमा लो कि लाइट क्या लेफ्ट साइड से रहे, उससे आपकी कंसंट्रेशन ज्यादा बनाएगी बजाय राइट साइड से। पेन की लेंथ मैटर करती है, शॉर्ट होनी चाहिए। कभी नोट कर लेना आप, जो पेन है, आप पेन पे कैप क्या करते हैं, आप इस तरह से कैप लगा लेते हैं बैक साइड पेन के, पेन की लेंथ बढ़ जाती है। और जब पेन की लेंथ बढ़ती है, आप लिखते हैं कोई भी पेपर पे, उसकी लेंथ बढ़ने से आपका कंट्रोल कम हो जाता है। आप इतनी बड़ी पेंसिल लेंगे उससे लिख पाएंगे क्या अच्छे से? तो पेन के ऊपर कैप ना यूज करें, कैप उतार दें, जिससे कि उसकी लेंथ जो है मैनेज हो जाएगी, आपकी स्पीड क्या है बहुत ज्यादा हो जाएगी। कैलकुलेटर, आप एग्जाम में जाएं तो कैलकुलेटर तो लेके जाना ही है, साइन कोस यानी साइंटिफिक कीज ना हो, साइन कोस ऐसे कुछ साइंटिफिक कैलकुलेटर्स होते हैं वो ना हो, और नॉर्मल कैलकुलेटर बड़े वाला जो अकाउंटेंट यूज करते हैं, इस टाइप का कैलकुलेटर यूज करें, बहुत स्पीड बनेगी। जैसे आपके फोन पे बनती है ना, बिना देखे फोन पैड पे आप काम करते हो कीपैड पे, वैसे कैलकुलेटर। और कैलकुलेटर क्या हो, यूज्ड, यूज्ड कैलकुलेटर। अक्सर क्या करता है बच्चा, नया कैलकुलेटर लेके जाता है, एग्जाम में जाऊंगा पापा नया कैलकुलेटर ला दो, वो नया कैलकुलेटर अभी उसे चलाया ही नहीं है। उससे क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस नहीं है उस कैलकुलेटर पे काम करने की, स्पीड कीज पे काम करने की है नहीं प्रैक्टिस, क्योंकि कीज भी कुछ अलग तरह की हो सकती है हर कैलकुलेटर में। तो आप वही कैलकुलेटर लेके जाओ एग्जामिनेशन हॉल में, जो कैलकुलेटर यूज टू है, पहले भी आप यूज करते हैं। मैं तो कहूंगा पेन भी 3-4 लेके जाओगे, ब्लैक पेन, जो आप अकाउंटिंग का पेपर कर रहे हो, लॉ का पेपर कर रहे हो, तो वो भी क्या है थोड़े से यूज्ड हो, ताकि स्पीड आपकी क्या है अच्छी बनी रहे। ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं, वो कहते हैं कि सर हम अकाउंट बना रहे हैं, मान लो कोई अकाउंट बना रहे, क्या
जो कॉलम बनाने हैं वो पेंसिल से बनाएं। मान लो सैलरी अकाउंट बना रहे हैं, सर ये जो लाइंस लगानी हैं, ये कॉलम बनाने हैं, क्या ये पेंसिल से जरूरी हैं? नो, नॉट रिक्वायर्ड बाय पेंसिल और स्केल। स्केल से लगाना है तो ये आपकी चॉइस है, आप जरूरी नहीं। मैंने तो अपने सी एग्जाम में कभी भी स्केल यूज नहीं किया, टाइम ही नहीं होता था। पर अगर आप स्केल यूज करना चाहें तो किसी को क्या प्रॉब्लम है, स्केल से लाइन लगा लो। पर ऐसा नहीं है कि ये पेंसिल से लगानी है या अलग कलर पेन से, ऐसा मत करना, रंग बिरंगा पेपर लगेगा। आपने ये लाइंस लगाई ये रेड पेन से या किसी और कलर पेंसिल से और लिख रहे हो आप ब्लैक पेन से, कोशिश करो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, पेन से ही करो, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कई बार बच्चे को हैबिट होती है कि हेडिंग में रेड पेन से लिख दूं, आगे अगर ब्लैक पेन से लिख दूं तो वो कलरफुल सा लगता है, ऐसा ना करो। ओके, पेपर में जब भी क्वेश्चन करो, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, ये कंपल्सरी है। एनी फोर है ना, इसमें मोस्ट फैमिलियर पेपर, मोस्ट फैमिलियर क्वेश्चन इज टू बी अटेम्प्टेड फर्स्ट, उसको आप पहले अटेम्प्ट करो। यानी अगर आपको लगता है जी ये क्वेश्चन जो आ गया है ये फाइनल काउंट का आ गया और मेरा फाइनल काउंट पे होल अच्छा है, और ये देखना स्मॉल साइज्ड क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखो। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन के मार्क्स कम है, लेकिन वो आता है क्वेश्चन के मार्क्स कम है। मान लो एक एनपीओ का क्वेश्चन आ गया, एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे क्लब वगैरह का क्वेश्चन आ गया और आपको कह रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लो, ओपनिंग बैलेंस शीट बना दो, क्लोजिंग बैलेंस शीट। ऐसा आईसीआई में हुआ है कि एक क्वेश्चन कभी किसी अटेम्प्ट में 8 मार्क्स का आया, सेम सा क्वेश्चन रिपीट हुआ वो 4 मार्क्स में आ गया, ऐसा हुआ है। तो अब 4 मार्क्स का है तो ये इजी क्वेश्चन किया भी हुआ है, लेकिन इसका ये मीनिंग तो नहीं कि टाइम कम ले लेगा, थोड़ा बहुत टाइम कम ले सकता है, 10 मिनट्स के 9 मिनट्स लग जाएंगे, पर 10 के 3 मिनट्स तो नहीं लगेंगे। मार्क्स 4 है, 4 मार्क्स का है, बहुत अच्छे से आता है, स्किप करो, बाद में करना, क्योंकि पता लगे 4 मिनट्स ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हाफ एन आवर आप लगे रहे, मार्क्स मिले 4, क्या फायदा। आप क्वेश्चन 15 मिनट्स आपको स्टडी के लिए मिलते हैं, 50 मिनट रीडिंग टाइम मिलता है, उस रीडिंग टाइम में इधर उधर स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करके टाइम वेस्ट ना करो, आप उस रीडिंग टाइम का यूज करो। क्या आप ये ऑब्जर्व करो कि ये जो क्वेश्चन है इनमें से फर्स्ट प्रेफरेंस क्या, मैं कौन सा क्वेश्चन करूं, सेकंड कौन सा करूं, आप ये प्रेफरेंस, उस क्वेश्चन को सबसे पहले करना जो मोस्ट फैमिलियर टॉपिक है। मान लो आपको लगता है ये चैप्टर मेरे को बहुत अच्छे से आता है, उसका क्वेश्चन है और साइज ऑफ क्वेश्चन भी बहुत बड़ा नहीं है, उसके अंदर टाइम नहीं लगेगा, तो आप उसको प्रेफरेंस दो। लिख लो कि नंबर 1 मैं इसको करूंगा, नंबर 2 मैं इसको करूंगा, आप प्रेफरेंस कोट कर लो क्वेश्चन पेपर पे, ताकि आप स्पीडली फिर करते चले जाओ। बाय चांस आपको बहुत अच्छे से आता है पर लेंथ ज्यादा है, मार्क्स कम है, तो टाइम वेस्ट ना करो। और बहुत बार होता है आपने एनपीओ का क्वेश्चन शुरू किया, 40 मिनट्स लगा दिए, बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही, 40 मिनट्स लगाने के बाद बड़ा अफसोस होता है कि मैंने 40 मिनट्स लगा दिए, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, बैलेंस शीट फिर नहीं टैली हो रही। वो लगा ही रहता है, उसमें ढूंढता रहता है बार बार, शुरू से शुरू हो जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, वर्किंग नोट, बार बार देखता रहता है, उसमें टाइम जा रहा है। पता लगता है उसका 1.5 आवर एक क्वेश्चन में ही खत्म हो गया, ये बड़ी प्रॉब्लम है। टाइम वहां पे दौड़ता है, अपनी रिस्ट वॉच नहीं भूलनी, वहां हर स्टूडेंट को रिस्ट वॉच लेके जानी है। अक्सर हमें हैबिट नहीं होती रिस्ट वॉच, क्योंकि आजकल मोबाइल्स का जमाना है तो आपका फोन तो बाहर रखना पड़ेगा आपको। रिस्ट वॉच डालने की आदत बना लो, पेपर में रिस्ट वॉच लेके जानी है, थोड़ी थोड़ी देर में टाइम देखते रहो कितना टाइम हो गया और कितना रह गया, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल का एनवायरनमेंट टेंशन वाला होता है। कई बार आप एक क्वेश्चन शुरू करके बैठ गए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का,
वन एंड हाफ आवर कैसे बीत गया पता ही नहीं लगा, मार्क्स 8 और 10 और सोल हो नहीं रहा, बार बार करे जा रहे हो और टाइम निकल गया। अब आपके पास 90 मार्क्स का पेपर पड़ा है और टाइम है 1.5 आवर, फिर वो टेंशन में वैसे अटेम्प्ट नहीं होता। आपने एक दो क्वेश्चन सही कर दिए जो स्मॉल साइज्ड क्वेश्चन है और मार्क्स अच्छे हैं फैमिलियर चैप्टर के, पता लगा आपने 2 क्वेश्चन कर दिया 1/2 आवर में, आपके पास 4 क्वेश्चन है 2.5 आवर में, कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाता है कि मैंने 1/2 आवर में 2 क्वेश्चन कर दिए हैं, मेरे पास 4 क्वेश्चन के लिए कितना टाइम पड़ा है 2.5 आवर। उस कॉन्फिडेंस के साथ चलते हो तो फिर पेपर आगे का जो पार्ट है वो अच्छा हो जाता है। और फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हुआ बहुत कोशिश करके, उसका बैड इफेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चंस पे भी जाता है और अक्सर देखने में मिलता है कि स्टूडेंट का रह गया 20 का रह गया, कभी 70 का हुआ तो 30 का रह गया। तो कोई भी क्वेश्चन शुरू करो तो रीडिंग टाइम में आप हल्का हल्का पढ़ लो, देख लो कि हाँ, जैसे वो कहते ना क्रिकेट में कि भाई प्लेयर जब सेट हो जाता है तो उसे बॉल फुटबॉल की तरह दिखती है, उसके बैट पे ऐसे आती है जैसे बड़ी बॉल फुटबॉल हो, बिल्कुल वैसी रीडिंग करने के बाद जिस बच्चे ने अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है वो क्वेश्चन देखते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन क्या, ये तो वही क्वेश्चन है मैंने किया हुआ है, मिलते जुलते क्वेश्चन आ जाते हैं सेम नहीं तो, तो आप उस पर प्रेफरेंस कोट करो, ये फर्स्ट करना है, ये सेकंड करना है, ये थर्ड करना है। आप प्रेफरेंस कोट करोगे तो उससे क्या फायदा होगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, बस स्पीडली आप करते चले जाएंगे। और बाय चांस कोई क्वेश्चन शुरू किया 30-40 मिनट्स लगाए, वो क्वेश्चन जो है 30-40 मिनट्स के बाद नहीं बात बन रही, छोड़ो स्किप इट, अगला करो, ज्यादा देर उसको करे जाएंगे बार बार तो उससे बात नहीं बनेगी, आप कोई और क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं, उसको स्किप कर दो, बाद में देखना अगर टाइम मिले तो। क्योंकि ऐसा है आपने बैलेंस शीट टैली नहीं की, नो डाउट बैलेंस शीट टैली नहीं हुई, लेकिन आपको तो स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिल रहे हैं। आप ओपनिंग बैलेंस शीट मान लो 3 मार्क्स है, क्लोजिंग 3 है, ये 4 मार्क्स का है, तो कोई बात नहीं, अगर एक उसका पार्ट नहीं भी हुआ तो बाकी 7 मार्क्स तो मिल जाएंगे आपको। और आप बार बार ट्राई कर रहे हो नहीं हो रहा, कई बार क्या है उसी पे बार बार टोटल गलत हो रहा है, थोड़ी देर बाद छोड़ के करोगे तो शायद वो एरर भी डिटेक्ट हो जाए, तो आपको ये चीज़ पे भी फोकस करना है। ऐसा ना करो कि एक ही क्वेश्चन पे आप बार बार ट्राई कर रहे हैं, तो ये प्लान करके चलना है आपको, ओके। और एक और बात, अकाउंटिंग के पेपर में सिलेबस अच्छा खासा है नो डाउट, आप थोड़ा सा कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं उस पे फोकस ज्यादा करें, जैसे अगर मैं एवरेज कहूं तो फाइनल काउंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, एनपीओ अकाउंटिंग, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप, इश्यू ऑफ शेयर का चैप्टर, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, स्टॉक वैल्यूएशन या इन्वेंट्री वैल्यूएशन और कंसाइनमेंट, ये नॉर्मली वो चैप्टर हैं जिनमें 10 मार्क्स 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इन चैप्टर्स पे थोड़ा आप ज्यादा टाइम डिवोट करोगे, इसमें आपको एग्जाम में 10-15 मार्क्स के क्वेश्चन, पार्टनरशिप का 15 मार्क्स मिल जाता है, कभी फाइनल काउंट का मिल जाता है, रेक्टिफिकेशन 10 मार्क्स का, एनपीओ 10 मार्क्स, तो आप इश्यू ऑफ शेयर में 10 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है, तो आप इन चैप्टर्स पे आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम डिवोट करो, क्योंकि इसमें मार्क्स जो है ज़्यादा 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन रहते हैं। जो बाकी चैप्टर हैं जैसे एवरेज ड्यू डेट है, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट है, बैंक रिकंसिलेशन 5 भी आ जाता है, 10 भी आ सकता है, लेकिन ज्यादातर 5 मार्क्स में मिलता है, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कैश बुक है, सब्सिडरी बुक है, एटसेट्रा, ये जो चैप्टर है, इश्यू ऑफ डिवेंचर, इन चैप्टर में एक्सपेक्टेड है 5 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, जनरली ट्रेंड की बात करूं 5 मार्क्स।
ऐसा नहीं है, एक आधी बार हुआ है कि बैंक रिकंसिलेशन में भी 8 or 10 के मार्क्स के क्वेश्चन मिलने का, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, बैंक रिकंसिलेशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कैश बुक, सब्सिडी बुक, इश्यू ऑफ डिबेंचर, इनमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं अक्सर रहते हैं। तो इस वाले पोर्शन में आपको 10 मार्क्स, कभी कभी तो 15 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो पता लगे क्वेश्चन 15 आ गया और आपने चैप्टर नहीं किया, तो आप थोड़ा कोशिश करो, इन पे ज़्यादा टाइम डिवोट करो, इन पे थोड़ा कम। रेस्ट ऑफ चैप्टर हैं जर्नल, लेजर, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस, वो थ्योरेटिकल कम प्रैक्टिकल आते हैं। पेपर में आपको करीब 12 मार्क्स, 4 मार्क्स और 4 मार्क्स, यानी आपको 20 मार्क्स का आउट ऑफ 120 थ्योरी मिल जाता है। थ्योरी कभी कभी 4 मार्क्स का और भी थ्योरी आ जाता है, 24। नॉर्मली 20 मार्क्स का थ्योरी रहता ही रहता है। तो थ्योरी पे भी फोकस करो। वैसे तो आप प्रैक्टिकल करते हो तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन उसमें भी कई कवर हो जाते हैं, पर जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसका यूज, या अकाउंटिंग एस्टीमेट, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस, ये कुछ एक चैप्टर हैं जिनमें थ्योरेटिकल बेस अच्छा है, तो वहाँ से थ्योरी के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। वैसे तो इस थ्योरी में वो भी पूछ लेता है कि जैसे ओवरराइडिंग कमीशन पे कुछ पूछ लिया, डेल क्रेडिटर पे कुछ पूछ लिया, ठीक, कॉल्स इन अरियर पे, तो वो प्रैक्टिकल बेस्ड जो थ्योरी है वो तो आप कर ही लोगे। स्पेसिफिक थ्योरी है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पे राइट शॉर्ट नोट, एरियाज वेयर डिफरेंट पॉलिसीज आर फॉलोड, ऐसा कुछ स्पेसिफिक थ्योरी के जो चैप्टर हैं जिसमें मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कंसेप्ट, मेजरमेंट डिसिप्लिन, कैपिटल वर्सेज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस, ये जो चैप्टर है इस पे थोड़ा थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करो, इनमें थ्योरी के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और कई बार पार्ट्स में आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आता है ना, क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी वाला, जो क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी है, क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी में फर्स्ट क्वेश्चन जो है 12 मार्क्स का, वो आता है 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच। ये थ्योरी के आते हैं, ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं, कोई मीनिंग भी पूछ सकता है, फिर 12 ये और एक 4 मार्क्स का थ्योरी और आ जाता है इसमें, अक्सर ट्रेंड ये। यानी फर्स्ट कंपल्सरी वाले में ही 16 मार्क्स की थ्योरी आ गई, फर्स्ट जो कंपल्सरी पेपर है उसी में 6 क्वेश्चन है, 16 मार्क्स की थ्योरी आ गई, तो कैसे बचोगे थ्योरी से? थ्योरी पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना ही चाहिए, वरना मार्क्स जो हैं उस थ्योरी की वजह से हो सकता है 5, 7, 8 नंबर आपके क्या रह जाए, कम रह जाए। ओके, और एक बात मैं आपको कह रहा था कि एग्जाम डेज में रिवीजन पे फोकस करो, रिवीजन, फोकस ऑन रिवीजन ओनली, कोशिश करो लास्ट डेज के अंदर नो फ्रेश टॉपिक, फ्रेश टॉपिक ट्राई ना करो। कई बार कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, जैसे बच्चा अकाउंटिंग का पेपर कर रहा है, उसे एक टॉपिक आता है बिल ऑफ एक्सचेंज में, बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में एक टॉपिक आता है अकोमोडेशन बिल, आता है ना, टू हेल्प ईच अदर, अकोमोडेशन बिल का टॉपिक आता है। ये टॉपिक थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बच्चे ने किया चैप्टर किया लेट, टॉपिक नहीं समझा, टीचर को फिर कहा उसने, अगर वो फेस टू फेस क्लासेस में बैठा है तो टीचर को फिर रिक्वेस्ट करता है नेक्स्ट डे, सर प्लीज़ मेरे को ये टॉपिक नहीं समझा, वो फिर करवा देता है। अगर रिकॉर्डेड क्लासेस में बैठा है तो पता नहीं टीचर तक आपकी बात पहुंची कि नहीं पहुंची, वो रह गया। कई बार टीचर अवेलेबल है, फेस टू फेस क्लास है, वो फिर करा देता है वो टॉपिक अकोमोडेशन बिल, फिर बच्चे को थोड़ा बहुत समझ आया नहीं आया, उसके माइंड में ये अकोमोडेशन बिल ही बढ़ा रहता है। जब भी वो प्रिपेयर करता है फिर सोचता है जी ये चैप्टर का अकोमोडेशन बिल नहीं आता, फिर कोशिश करता है फिर नहीं समझ, उसके माइंड में ये टेंशन रहती है कि ये टॉपिक मुझे नहीं आता। टॉपिक का क्वेश्चन आए ना आए उसकी जो स्टडी जरूर डिस्टर्ब होती है, बार बार वो उसी चीज़ पे लगा रहता है। तो बाय चांस अगर कोई ऐसे 1-2 टॉपिक हैं
मैं ये नहीं कहता कि ना प्रिपेयर करो, कोशिश करो, प्रिपेयर हो तो अच्छा है, लेकिन लास्ट डेज में टाइम कम है, आप उसी पे बार 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 कोशिश कर रहे हो, कभी यूट्यूब पे देख रहे हो, कभी टीचर को मैसेज कर रहे हो कि मुझे दोबारा से करवा दो, तो कभी फ्रेंड को कह रहे हो, उससे टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। पूरा चैप्टर क्यों छोड़ते हो? अकोमोडेशन बिल का एक टॉपिक नहीं समझ आया, लेकिन उसके अलावा भी बड़े टॉपिक हैं चैप्टर में, वो तो करो, खुद जरूरी नहीं है कि चैप्टर में यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो आप ऐसा करो, जब दो कंट्री की लड़ाई होती है या पुराने किंगडम के टाइम दो राजा लोग लड़ा करते थे, तो जब लड़ाई होती है तो कुछ सिपाही गिर जाते हैं, मैदान जंग में होता ही है, चार छः अपने बंदे मारे गए तो बाकी का मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, या उनके ऊपर ही अफसोस करते रहते हैं कि अब ये चले गए अब क्या होगा। ये जंग लड़नी है तो ये चीज़ें इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ता है। तो ऐसा ही है भैया, आगे बढ़ो, जो रह गए बाकी आगे बढ़ो। वही चीज़ है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आप हो, एग्ज़ाम में कुछ दिन पढ़े हैं और आप नए नए टॉपिक यूट्यूब पे देख रहे हैं, फ्रेंड से पूछ रहे हैं, टॉपिक फिर नहीं होगा जो सारा साल नहीं हुआ, उतनी टेंशन लेके भी अब लास्ट एग्जाम से चार दिन पहले भी वो टॉपिक करने की कोशिश कर रहे हो, फिर वो क्या करता है, टेंशन क्रिएट कर देता है। तो कोशिश करो, ऐसे टॉपिक अगर एक दो नहीं बन पा रही बात, स्किप इट, बाकी तो करो। एग्जाम में आपको चॉइस भी है और ये सारा पेपर यही तो नहीं आना, तो आप कोशिश करो नए टॉपिक लास्ट डेज में करने का, कोई बेनिफिट नहीं है। एग्जाम में चार दिन पढ़ें और एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ये पहले किया नहीं था, अब वो चैप्टर पे होल्ड बन जाएगा। क्वेश्चन वही अटेम्प्ट होते हैं एग्जाम में, जिसकी बार बार आपने रिवीजन की हो, दो बार तीन बार, वो अटेम्प्ट होते हैं। लास्ट स्टेज में कोई टॉपिक तैयार कर रहे हो वो अटेम्प्ट नहीं होगा। एनपीओ का चैप्टर पढ़ रहा है बच्चा, बड़े बड़े क्वेश्चन है एनपीओ के अंदर, बहुत लेंथी क्वेश्चन है। एक्चुअल में जो एनपीओ का जो चैप्टर है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये पहले इंटरमीडिएट में था, वहाँ से सिलेबस चेंज किया तो वो इधर जो है फाउंडेशन लेवल के सिलेबस में एडजस्ट कर दिया। तो आईसीआई का स्टडी मटेरियल जो इंटरमीडिएट का था ना, वही उठा के फाउंडेशन में क्लब कर दिया। अब जो इंटरमीडिएट का लेवल है वो तो हाई है, अब वही फाउंडेशन वाले बच्चों को करना पड़े तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वो एनपीओ का बहुत लेंथी टॉपिक है, एक एक क्वेश्चन में कई बार 1 आवर लग जाता है, अब देखें काफ़ी एडजस्टमेंट होती हैं। तो ऐसे चैप्टर अगर बहुत प्रैक्टिस होगी तो होंगे, दो दो तीन तीन बार क्वेश्चन सोल्व कर करके देखें तो कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है। लास्ट में आप सोचो एग्जाम से चार छः दिन पहले थोड़ा बहुत स्टडी करके हो जाएगा, नहीं होगा। तो ऐसे चैप्टर्स, ऐसे टॉपिक स्किप करो जो बहुत लेंथी हैं और इतना टाइम आपके पास नहीं है, बॉदरेशन बढ़ेगी, इससे बेटर है उसे छोड़े और बाकी टॉपिक पे फोकस करें। बाकी पेपर भी तो है, तो ये ध्यान रखना है, अक्सर ये बच्चों से गलतियां होती हैं। चलो, और आप फाइनल काउंट का चैप्टर पढ़ रहे हैं, फाइनल काउंट एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है, तो ध्यान रखना, क्योंकि प्लस वन प्लस टू लेवल में जो फाइनल काउंट पढ़ते हैं बच्चे, तो वहां पे वो खिचड़ी पकाते हैं। वो क्या करते हैं, जो ट्रेडिंग काउंट बनाते हैं उसी के अंदर ही क्या लिख देते हैं, परचेज के नीचे कोल लगा, वाटर लगा, ऑयल लगा, वेजेस लगी। एक बात बताओ, ट्रेडिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? हाँ जी, व्हाट्स द मीन ऑफ ट्रेडिंग? हाँ जी, जो लोग क्लास लगा रहे हैं प्लीज रिप्लाई, व्हाट्स द मीन ऑफ ट्रेड? ट्रेड वर्ड का मीनिंग क्या है? ट्रेडिंग, व्हाट्स द मीन ऑफ इट? हाँ जी रिप्लाई, व्हाट्स द मीन ऑफ ट्रेड? रिप्लाई, मीनिंग ऑफ ट्रेड, हाँ जी पार्डन, हाँ जी प्लीज श्रेयांस, मीनिंग ऑफ ट्रेड, you can unmute yourself.
ओके 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 ओके, इन शॉर्ट कह सकते हैं ट्रेड मींस सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, इज इट करेक्ट? सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, दैट इज ट्रेड. तो व्हाट्स द मीन ऑफ ट्रेडिंग? ट्रेडिंग काउंट के अंदर तो क्या आना चाहिए? सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स ओनली. सपोज यू आर रिटेलर, आप फिनिश गुड्स बाय करते हैं, फिनिश गुड्स सेल करते हैं, दैट्स द ट्रेडिंग. तो ट्रेडिंग काउंट में आप जो स्पेसिफाई कर रहे हैं कोल, ऑयल, वेजेस, हाउ इज इट पॉसिबल फॉर ट्रेडर? ट्रेडर तो जस्ट क्या करता है, रेडीमेड सामान खरीदता और बेचता है. सपोज आपके एरिया में कोई रिटेलर है, ग्रोसरी शॉप है, उसके पास मैगी है, उसके पास बिस्किट्स हैं, उसके पास चॉकलेट्स हैं, तो वो क्या मैन्युफैक्चरिंग करता है? नहीं, वो क्या करता है, परचेज करता है, सेल करता है फिनिश गुड्स का जस्ट, और जीपी अर्न करता है. ऐसे ही होता है. तो उसमें ये कोल, उसमें ये वेजेस कहां से आया? कोल, वेजेस, ऑयल, इट इज यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरर, इज इट करेक्ट? इट इज यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरर, नॉट बाय ट्रेडर. तो आप ये जो कर रहे हैं, ये तो आप क्या कर रहे हैं, मिक्स ट्रेडिंग कम मैन्युफैक्चरिंग बना रहे हैं. ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग का क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं. जबकि फाउंडेशन लेवल में ये क्लियर है मैन्युफैक्चरिंग काउंट, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग काउंट ही बना देखोगे सीएस के ऑफिसेज में. मैं एक एग्जांपल लेके ये सारी स्टोरी क्लियर करता हूँ, क्योंकि मेरे पास बड़ी क्वेरीज ऐसी आती हैं कि सर डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री कहाँ आएगा, क्योंकि उनको हैबिट ही है प्रॉफिट एंड लॉस में लिखने की, क्योंकि उन्होंने ये खिचड़ी बना दी है मैन्युफैक्चरिंग कम ट्रेडिंग वाली. तो देखना, अगर मैं कहूँ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, कैसे बनाएंगे आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट? देखना, देखो, हाउ विल यू प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट? देखना, इसमें आप कोट करते हो ओपनिंग स्टॉक किसका, रॉ मटेरियल का एंड वर्क इन प्रोग्रेस का, 10 और 20, सपोज 30 का है, 10 और 20 30 रॉ मटेरियल. हाँ जी, रॉ मटेरियल क्या रहता है फॉर मैन्युफैक्चरर? फॉर एग्जाम्पल, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप शुगर मिल चला रहे हैं, शुगर मिल, तो इन शुगर मिल शुगर केन इज द रॉ मटेरियल, गन्ना प्रोडक्शन होता है, फील्ड से आता है. फिनिश गुड्स में क्या है, शुगर, दैट इज फिनिश गुड्स, और जो जूस पड़ा है 31 मार्च को, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस. तो रॉ मटेरियल क्या हो गया, शुगर केन, जूस क्या हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस, शुगर क्या है, फिनिश गुड्स. तो यहां पे दो चीजें आती हैं, रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मान लो 100 का खरीदा, ये कोल, ये ऑयल और ये वेजेस, ये सपोज 30 20, वो भी मैन्युफैक्चरिंग काउंट में आ गई. क्लोजिंग स्टॉक किसका, रॉ मटेरियल का और वर्क इन प्रोग्रेस का, सपोज ये 10 है और ये 70 है, ठीक है. तो आप देखो ये कितने का है, 80. तो आप देखेंगे इस साइड का जो टोटल है, सपोज ये 200 का रॉ मटेरियल परचेज है, तो 280 इधर भी कितना आएगा, 280. मैं ऐसा करता हूं 20 करता हूं 30, 250 का क्या आ गया यहां से, बाय ट्रेडिंग अकाउंट में क्या शिफ्ट होगा, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस. देन आफ्टर आप क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसमें आप कोट करेंगे ओपनिंग स्टॉक किसका, फिनिश गुड्स का, मान लो 40 का है, यहां से और आ गया टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्या चीज शिफ्ट होगी, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस. जो चीनी बनाई आपने कितने की बनी, 250 की. क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का मान लो 90 का पड़ा है, आपने फिनिश गुड सेल कर दिया सपोज 350 का, तो आप देखें आपका जीपी कितना है, जीपी 350 प्लस 90 440,
290 कम कर देंगे तो 150 का क्या आ जाएगा यहां से, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, जीपी ब्रॉड डाउन कितने का 1। देखो ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी है, और जब आप सीए फाउंडेशन का फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हैं तो वहां पे जो आप आईसीआई का स्टडी मटेरियल होगा आपके पास, उसमें लास्ट के 5-6 क्वेश्चंस हैं वो मैन्युफैक्चरिंग काउंट पे फोकस करते हैं। तो वहां आप मैन्युफैक्चरिंग काउंट बना रहे हैं, देन आफ्टर क्या बना रहे हैं, ट्रेडिंग। तो याद रखें, कुछ एक दो एमसीक्यू भी डाले हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आप, शुगर मिल है तो किस चीज की, शुगर की, तो रॉ मटेरियल और जूस वो आएगा ना मैन्युफैक्चरिंग में। ऑलरेडी फिनिश गुड्स चीनी थोड़ी फैक्ट्री में आएगी, वो तो फैक्ट्री से आउट हो जाती है, वेयर हाउस में चली जाती है। याद रखना गोडाउन में रॉ मटेरियल होता है और वेयर हाउस में क्या होता है, फिनिश गुड्स। तो रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, गोडाउन से, और फिनिश गुड्स कहाँ चला जाता है सेल होने के लिए, वेयर हाउस में। चलो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग काउंट है, फैक्ट्री का काउंट है, यहाँ दो स्टॉक आएंगे, रॉ मटेरियल का एंड वर्क इन प्रोग्रेस, जूस पड़ा है और जो गन्ना पड़ा है शुगर केन 30। परचेज किया रॉ मटेरियल कितने का, 200 का। यहां आएगा डेप्रिसिएशन फैक्ट्री का, कोल ऑयल पार या वेजेस, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग के खर्च। इधर आएगा क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस का, सपोज ये 30, तो ये 250 बैलेंसिंग फिगर, 280 माइनस 30, 250 क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, यानी चीनी तैयार हो गई है, फिनिश गुड्स 250 का बिकने के लिए ट्रेडिंग काउंट में आ गया, ट्रेडिंग काउंट बेचेगा ना उसको, यहां शिफ्ट हो गया। ओपनिंग शुगर फिनिश गुड्स 40, क्लोजिंग फिनिश गुड्स 90, 40 प्लस 250 ये क्या हो गया 290 क्लोजिंग, तो 290 माइनस 90 200 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, 350 में बेचा तो जीपी कितना आ गया 150, इज इट करेक्ट, जीपी आ जाएगा। अब आप देखो इसमें जो बुक्स में आप लोग पढ़ते हैं, खासकर हमें हैबिट हुई है प्लस टू की बुक से, हम क्या पढ़ रहे हैं वहां हम खिचड़ी बना रहे हैं, खिचड़ी समझते हो, जो कुछ भी है दाल चावल सब मिक्स करके डाल दो इकट्ठा ऐसे, तो आप क्या कर रहे हैं वहां, वहां ओपनिंग स्टॉक में सब लिख रहे हैं, रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स, जो प्लस टू लेवल बी कॉम लेवल में अच्छे से दिमाग में सेट है, वहां स्टॉक के पार्ट नहीं होते, वहां स्टॉक इकट्ठा ही एक ही फिगर तीनों का इकट्ठा। सपोज इसी क्वेश्चन में 10, 20 और फिनिश गुड्स कितना है 40, रॉ मटेरियल 10, वर्क इन प्रोग्रेस 20, फिनिश गुड्स 40, कितना हो गया 70। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लिखेंगे आप, कितने रुपए का है 200, इधर ही लिख रहे हैं आप मिक्स कोल और ऑयल, कितने रुपए का 30, आप वेजेस कोट कर रहे हैं कितने रुपए की 20, इधर सारे स्टॉक लिख रहे हैं आप क्लोजिंग स्टॉक सारे, रॉ मटेरियल का भी, वर्क इन प्रोग्रेस का भी, फिनिश गुड्स का भी, तो रॉ मटेरियल का 10, वर्क इन प्रोग्रेस का 20 और फिनिश गुड्स का कितना है 90, तो आपने कितना कोट कर दिया 120। इधर ही सेल चलने देते हैं तो देखते हैं इससे क्या आ रहा है आपका, देखते हैं 120, 350, 470, इधर भी कितना 470, 270, 320 कम कर दें तो 150 जीपी आ गया। हमें अक्सर ये करने की आदत है, हमें मैन्युफैक्चरिंग बनाने की हैबिट ही नहीं, हम क्या करते हैं ये वाला ट्रेडिंग बनाते हैं प्लस टू बीकॉम में, कई बार स्टूडेंट फाउंडेशन लेवल में भी ऐसा कर रहा है। अब सोचने की बात है, ये कोल, ये वेजिस, ये पार यहां कैसे आ सकता है ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग मीन्स तो क्या होता है, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, ये सब मैन्युफैक्चरिंग काउंट की आइटम है, और आपने क्या कर दिया दो काउंट की खिचड़ी पका दी, आपने मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग मिक्स करके जीपी तो वही आया, लेकिन आपने मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग की आइडेंटिटी मिक्स कर दी, आपने ट्रेडिंग कम क्या बना दिया मैन्युफैक्चरिंग। तो ये ठीक है, छोटा मैन्युफैक्चरर है, जैसे दूध की डेयरी वाला है, वो कहता है जी सर मेरी कौन सी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग है, दूध में कुछ डाला तो दही बन गया, कभी पनीर बन गया, कभी कुछ मीठा बना के शेक बना दिया, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर नहीं, तो वो तो चलो मिक्स बना ले ट्रेडिंग कम मैन्युफैक्चरिंग।
जो स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरर है वो हमेशा प्रैक्टिकल लाइफ में भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऐसे बनाएगा, देन आफ्टर क्या बनाएगा, ट्रेडिंग। और ये मीनिंगफुल है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे हैं ये वेजेस कॉल वगैरह, यहाँ कोई खर्च नहीं आता ट्रेडिंग में, सही चीज ये है, वो खिचड़ी है जो बना रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ICI की बुक में जो क्वेश्चंस हैं उनमें मैन्युफैक्चरिंग पूछा हुआ है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग बनाने को कह रहा है तो आपको ध्यान रखना होगा ट्रेडिंग अकाउंट में कोई एक्सपेंडिचर नहीं, सारे मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे कहाँ आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएंगे। और अब सुनना, गलती जो होती है स्टूडेंट इस स्टाइल में कर रहा होता है क्योंकि वो किसका कर रहा होता है, ट्रेडर का। ट्रेडर के पास जो मशीनें होती हैं उसका डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। बार बार क्वेश्चन करते हुए हमें हैबिट हो जाती है कि डेप्रिसिएशन मशीन का कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन याद रखना इफ यू आर मैन्युफैक्चरर तो वहां पे मशीनें मैन्युफैक्चरिंग में काम आ रही हैं फैक्ट्री में, तो मशीन्स का डेप्रिसिएशन कहाँ जाने वाला है, वो मैन्युफैक्चरिंग में जाने वाला है। ये अक्सर एरर होता है, याद रखना। वो कहाँ लिख देता है, वो डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्रीज प्लांट एंड मशीनरी कहाँ कोट कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में। फैक्ट्री का रेंट भी कहाँ लिखता है, हैबिट है, क्योंकि उसने ट्रेडिंग रिटेलर की पढ़ी है, तो रिटेलर के पास मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं रही, उसकी मशीनें क्या है, वेट करने वाली मशीन है या और कोई वेइंग मशीन के अलावा और कोई मशीन है, तो मैन्युफैक्चरिंग करता नहीं, उसकी तो मशीनों का डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। उसके पास तो फैक्ट्री है ही नहीं, ट्रेडर के पास तो उसका रेंट तो ऑफिस का है या रिटेल शॉप का है, वो कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। बट इफ़ यू आर मैन्युफैक्चरर तो फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग का, फैक्ट्री की मशीनों का डेप्रिसिएशन कहाँ कोट करना है आपने, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। अक्सर ये रूटीन में होने वाला एरर है और स्टूडेंट अक्सर ये गलती करता है। तो समझ आया ये खिचड़ी अकाउंट क्या है, मिक्स। मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग का क्या कर रहे हो, मिक्स। 99% स्टूडेंट को नहीं पता कि ये ट्रेडिंग क्या है और ये ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग क्या है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है आपने। क्लियर, ध्यान से देखना है क्वेश्चन में उसने क्या डिमांड किया है, मैन्युफैक्चरिंग तो आपको बनाना पड़ेगा। ओके, कभी कभी जब आप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन कर रहे होंगे तो वहां पे वो एडजस्टेड परचेज दे देता है, एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज और यहां दे देता है ओपनिंग स्टॉक 70, क्लोजिंग स्टॉक 60 और ये 4 lakh। इट मींस क्लोजिंग स्टॉक अंदर है, ट्रायल बैलेंस के अंदर कोटेड है। इसका मीनिंग क्या है कि ये ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी एडजस्टेड है, ऑलरेडी एडजस्टेड है, इसकी एंट्री ऑलरेडी पास्ड है। आप कह सकते हो एंट्री ऑलरेडी पास्ट, क्या एंट्री पास्ट है इसकी, ऑलरेडी इसकी एंट्री हो चुकी है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज, कितने रुपए, 60। क्या ये परचेज में अगेन कम होना है, नहीं, ये परचेज में कम नहीं होना क्योंकि इसकी एंट्री तो ऑलरेडी पास्ट है। अब क्वेश्चन आता है स्टूडेंट के माइंड में कि सर क्या ओपनिंग स्टॉक भी इस परचेज में एडजस्टेड है, रिप्लाई मी वेदर ओपनिंग स्टॉक इज ऑल्सो एडजस्टेड आउट ऑफ परचेज और नॉट। मुझे बताओ कि ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं एक ट्रेडर का, उसमें मैं कितने रुपए कहां कोट करूं और बैलेंस शीट में कितने कोट करूं, रिप्लाई मी। ये लाइबिलिटीज हैं, ये एसेट्स हैं। बोलो ट्रेडिंग अकाउंट में यहां क्या कोट करूंगा, परचेज की फिगर कितनी लिखूंगा, परचेज अकाउंट या ओपनिंग स्टॉक कोट करूंगा कि नहीं करूंगा, रिप्लाई मी वेदर ओपनिंग स्टॉक विल बी कोटेड इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और नॉट। इट मींस वेदर इट इज एडजस्टेड आउट ऑफ परचेज ऑफ रुपीज 4 lakh और नॉट, स्टिल टू बी एडजस्टेड, रिप्लाई मी, या चैट हेड में आप अपना रिप्लाई दे दें या फिर वॉइस मोड के थ्रू भी रिप्लाई दे सकते हैं, प्लीज रिप्लाई। परचेज कितनी कोट करूं ट्रेडिंग में
ओपनिंग स्टॉक यहाँ लेफ्ट साइड में कोट करूंगा या इट इज ऑल्सो एडजस्टेड आउट ऑफ परचेज, एडजस्टेड परचेज मेंशन है 4 लाख, ओपनिंग स्टॉक 70,000, क्लोजिंग स्टॉक 60, ट्रायल बैलेंस के अंदर मेंशन है, ट्रायल बैलेंस बना हुआ है ये, ट्रायल बैलेंस, रिप्लाई मी, परचेज में कितना रहेगा, जो लोग लाइव हैं रिप्लाई करो। हाँ जी रिप्लाई करो, क्या फिगर आएगी परचेज की, वेदर यू कैन रिप्लाई और नॉट। इंफॉर्मेशन है ओपनिंग स्टॉक 70,000, परचेज 4 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 60,000, ये मेंशन है ट्रायल बैलेंस में, एडजस्टेड परचेज 4 लाख, ओपनिंग स्टॉक 70,000, क्लोजिंग स्टॉक 60,000। अब आप मुझे बताओ कि ट्रेडिंग अकाउंट, व्हेन वी प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, वेदर ओपनिंग स्टॉक विल बी कोटेड इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और नॉट, एंड ओके 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 ओके, तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न है, डिफरेंट आंसर्स जो हैं यही एग्जामिनेशन हॉल में होता है कि कोई स्टूडेंट इसका रिप्लाई क्या दे रहा है, क्या आंसर कोट कर रहा है। अब सुनो, क्लोजिंग स्टॉक काउंट डेबिट टू परचेज तो ऑलरेडी हो चुका है, ये क्लोजिंग स्टॉक डेबिट हुआ तो ही तो ट्रायल बैलेंस के अंदर आया, बुक्स ऑफ अकाउंट में आया, तो इसकी एंट्री क्या हुई, ऑलरेडी पास्ट, क्लोजिंग स्टॉक काउंट डेबिट टू परचेज, तो देर इज नो नीड टू एडजस्ट द स्टॉक अगेन, स्टॉक ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक स्टिल टू बी एडजस्टेड, ओपनिंग स्टॉक एडजस्टेड नहीं है, क्यों एडजस्टेड नहीं है, अगर ये ओपनिंग स्टॉक परचेज में एडजस्ट होता तो ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में ना पड़ा होता, ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक स्टैंड कर रहा है, इट मींस इसकी एंट्री परचेज टू ओपनिंग स्टॉक नहीं हुई, स्टिल टू बी पास्ट, कौन सी एंट्री, परचेज काउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक इज स्टिल टू बी पास्ट, ये एंट्री नहीं हुई है, नहीं हुई है तो करनी है, परचेज काउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक कर दोगे तो परचेज कितने की हो जाएगी, 470 की, या फिर परचेज 4 लाख लिखते हो तो इधर ओपनिंग स्टॉक कितना मेंशन कर देंगे, 70, एक ही बात है, अगर आप ये एंट्री कर देते हो ना कि परचेज अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, लास्ट ईयर का स्टॉक खत्म हो जाएगा, ठीक, तो इन दैट केस क्या होता, यहां परचेज कितने की होती, 470 स्टॉक ना होता, स्टॉक यहां से वाइप आउट कर देता मैं, स्टॉक ना होता परचेज कितने की होती, 470 की, बट यहां पे तो ट्रायल बैलेंस में स्टॉक मेंशन है, इट मींस ये एंट्री स्टिल टू बी पास, ये एंट्री नहीं हुई है, तो स्टॉक को परचेज में ऐड नहीं किया गया, तो स्टॉक 4 लाख का है, परचेज कितने की, परचेज 4 लाख और स्टॉक 70, क्लोजिंग स्टॉक कोट नहीं होगा इधर क्योंकि वो ऑलरेडी एंटर्ड है, क्या एंट्री है, क्लोजिंग स्टॉक काउंट डेबिट टू परचेज, ये ऑलरेडी एंट्री पास्ट है, तो सो आपको स्टॉक एडजस्ट नहीं करना, क्लोजिंग स्टॉक कहां जा रहा है, ये ओनली बैलेंस शीट में, क्योंकि इट इज ऑलरेडी एडजस्टेड आउट ऑफ परचेज, ये ऑलरेडी एडजस्टेड है, स्टॉक काउंट डेबिट टू परचेज हो चुकी है एंट्री, तो अगेन परचेज में से कट हो जाएगा, अगर इधर कोट कर दोगे तो डबल डिडक्ट हो जाएगा, ऑलरेडी डिडक्टेड है, तो जस्ट आप इसे बैलेंस शीट में शो करेंगे, ओपनिंग स्टॉक 70, परचेज कितना, 4 लाख, इज दैट क्लियर, बोलो कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, ठीक है।
चलो एक क्वेश्चन पूछा गया, एक पर्सन सीए बना, फाउंडेशन किया, इंटरमीडिएट किया, सीए फाइनल किया, किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है, उससे क्वेश्चन रेज किया जाता है नेचर ऑफ सस्पेंस अकाउंट क्या है, नेचर ऑफ सस्पेंस अकाउंट इन ट्रायल बैलेंस। आप जानते हैं ना, इवन आफ्टर ऑल एफर्ट्स ट्रायल बैलेंस हैज नॉट बीन टैलीड, टैली नहीं हो रहा, हमने सारी कोशिश कर दी, तो डिफरेंस किस में कर दिया अपने, सस्पेंस में। जैसे ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, सपोज डेबिट क्रेडिट, इसके डेबिट साइड में आ रहा है 4 लाख, क्रेडिट में आ रहा है 430, तो 430,000 और डेबिट में 4 लाख, बहुत कोशिश की हमें ये एरर डिटेक्ट नहीं हुआ सपोज, तो क्या है फाइनल अकाउंट तो बनाने हैं, आपने 30,000 डेबिट में लिखा सस्पेंस अकाउंट लिखा, इसको भी क्या कर दिया फॉर दैट। आप मुझे बताओ, चैप्टर भी पढ़ रहे हो आप ट्रायल बैलेंस का, ये सस्पेंस का 30,000 कौन सा बैलेंस है, डेबिट और क्रेडिट, ये 30,000 सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जो है ये डेबिट बैलेंस है 30,000 और इट्स अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 30,000, विच वन इज करेक्ट, रिप्लाई मी। ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, देर इज डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस ड्यू टू सर्टेन एरर, बट वी आर अनेबल टू डिटेक्ट द एरर इवन ऑल द एफर्ट्स टेकन बाय आर कंसर्न। तो देन आफ्टर वी क्लासिफाइड इट एज सस्पेंस अकाउंट, डिफरेंस को सस्पेंस में कोट कर दिया। तो ये 30,000 सस्पेंस है, वेदर इट्स अ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट, प्लीज रिप्लाई। जी रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई। जी ये पूछ रहा हूं सस्पेंस, ये 30,000 डेबिट में लिखा है क्योंकि टैली नहीं हो रहा, तो ये वेदर इट्स अ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, रिप्लाई मी। मिक्स आंसर इज देयर, कुछ लोग डेबिट बैलेंस कह रहे हैं और कुछ क्रेडिट बैलेंस कह रहे हैं, और ये इतना कॉमन सा क्वेश्चन है, प्लस वन प्लस टू से रिलेटेड ही है, और मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अक्सर इसमें मैं कह रहा हूँ सी ए से इंटरव्यू में पूछा जा रहा है, और अब भी आप में से मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट कौन सा रिप्लाई दे रहे हैं, क्रेडिट बैलेंस, इट्स द रॉन्ग, इट्स द डेबिट बैलेंस, याद रखना आप में से मोस्टली क्रेडिट कह रहे हैं, इट्स द डेबिट बैलेंस, याद रखना इट्स नॉट अकाउंट, इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनल बैलेंसेज, ये अकाउंट नहीं है, अकाउंट में होता है टी शेप, आप राम का अकाउंट बना रहे हैं, राम के अकाउंट में 10,000 है, 70,000 है, सपोज 80,000, इधर मान लो 60,000 है, तो आप इक्वल करने के लिए ऑपोजिट साइड में लिखते हैं 20, राइट साइड एक्स्ट्रा है, तो ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, इट्स अ क्रेडिट बैलेंस, ये टी शेप अकाउंट है, इसमें ऐसा होता है क्रेडिट साइड एक्सेस है, तो ऑपोजिट साइड 20 लिखा, इट्स द क्रेडिट बैलेंस, बट इट्स अ टीबी ट्रायल बैलेंस, इट्स द स्टेटमेंट ऑफ फाइनल बैलेंसेस, इसमें जो डेबिट है वो डेबिट बैलेंस है, जो क्रेडिट है वो क्रेडिट बैलेंस है। अगर मैं इसमें कैपिटल लिख रहा हूं 5 लाख या 3 लाख, ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट में कोट कर रहा हूं तो कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, कैश कोट कर रहा हूं डेबिट में 20,000, तो वो कौन सा बैलेंस है कैश का, डेबिट। ये फाइनल बैलेंसेस की समरी है, इसमें सारे डेबिट तो डेबिट बैलेंस है, सारे क्रेडिट तो क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, इज दैट करेक्ट। तो इसमें ये सस्पेंस कौन सा बैलेंस है, ये सस्पेंस डेबिट बैलेंस है, याद रखना। कल को अगर आप सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे,
नेक्स्ट ईयर अगर आप सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो ये क्रेडिट बैलेंस नहीं, ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने रुपए? 30,000। इट्स द डेबिट बैलेंस। इज दैट क्लियर? गलत मत करना, आपसे भी कभी कोई इंटरव्यू में पूछेगा। तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में डेबिट बैलेंस, क्रेडिट में क्या रहते हैं? क्रेडिट बैलेंस। एक्स्ट्रा है क्रेडिट साइड, बट ये जो डेबिट में आया ये क्या है? सभी डेबिटेड की लिस्ट का पार्ट है। कैश, डेटर, मशीन, बिल्डिंग डेबिट होते हैं ना, ऑल आर डेबिट बैलेंसेस। तो क्लोजिंग डेबिट बैलेंस है 30, नेक्स्ट ईयर डेबिट में कोट किया जाएगा। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है, नेचर ऑफ सस्पेंस अकाउंट। नेचर ऑफ सस्पेंस अकाउंट क्या है? टीवी में सस्पेंस अकाउंट आ गया 30,000। व्हाट्स द नेचर ऑफ सस्पेंस अकाउंट? ये जो 30,000 सस्पेंस है ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल, रियल या पर्सनल? कौन सा? नॉमिनल, रियल और पर्सनल। व्हाट्स द नेचर ऑफ सस्पेंस अकाउंट? नॉमिनल, रियल और पर्सनल? रिप्लाई मी। रिप्लाई मी। हाँ जी, व्हाट्स द नेचर ऑफ सस्पेंस अकाउंट प्लीज रिप्लाई। नॉमिनल और पर्सनल? और ओके तो इसमें भी आंसर मिक्स आ रहे हैं, कोई नॉमिनल कह रहा है तो कोई पर्सनल। तो ये जो भी नॉमिनल कह रहा है या कोई पर्सनल कह रहा है, वो रियल कह रहा है, वो इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये नॉमिनल भी गलत है और ये पर्सनल भी गलत है, याद रखना। आप याद रखो जो सस्पेंस है इसकी नेचर एनी ऑफ थ्री, कुछ भी हो सकती है। यू कांट एक्सप्रेस इट, तुम नहीं जानते कि क्या है ये। क्यों? क्योंकि सपोज ये एरर है, सस्पेंस आया, इफ इट इज ड्यू टू फिक्स्ड असेट्स, ये फिक्स्ड असेट्स की वजह से है, मशीन या बिल्डिंग अकाउंट की वजह से, तो ये कौन सा अकाउंट होगा? रियल अकाउंट। अगर ये एरर सपोज डेटर, क्रेडिटर, कैपिटल अकाउंट वगैरह की वजह से है, everything else is okay, तो ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। अगर ये एरर किसी सैलरी, कोई रेंट एटसेट्रा उनकी वजह से है, तो देन इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। जब आपको पता ही नहीं एरर कहाँ है, क्या पता डेटर में एरर हुआ, क्या पता क्रेडिटर में एरर हुआ, क्या पता कोई सैलरी, रेंट, परचेज, सेल में एरर हुआ, तो आपको पता ही नहीं, तो हाउ कैन यू से दैट इट्स अ नॉमिनल अकाउंट, रियल और पर्सनल? इट कैन बी रियल और पर्सनल और नॉमिनल, मिक्स भी हो सकता है। कुछ एरर डेटर अकाउंट में हो गए पर्सनल अकाउंट में, कुछ नॉमिनल अकाउंट में हो गए, तो इसका नेचर मिक्स भी हो सकता है। तो एनी ऑफ थ्री, कोई पूछे सस्पेंस की नेचर तो क्या बोलोगे? एनी ऑफ थ्री, नॉमिनल, रियल और पर्सनल, कुछ भी हो सकता है। इसमें ध्यान रखना, ये गलत आंसर देते हैं स्टूडेंट और बहुत कॉमन एरर है। ओके, जब आप पेपर में एनपीओ का क्वेश्चन करते हैं, एनपीओ, उसमें भी एक कॉमन एरर होता है एनपीओ के क्वेश्चन में। क्या है? एक ट्रायल बैलेंस गिवन है, मार्च 23 का ट्रायल बैलेंस गिवन है, उसमें हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है डेबिट, क्रेडिट, सब्सक्रिप्शन रिसीव। सब्सक्रिप्शन रिसीव कह रहा है 8 लाख, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग है 70,000, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 30। ये सब इंफॉर्मेशन दे रहा है
नीचे कह रहा है एज ऑन 31 मार्च 2023, हमें क्वेश्चन में कह रहा है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस एट एंड ऑफ द ईयर, सब्सक्रिप्शन एडवांस में 50,000 है। फिर कह रहा है सेकंड इंफॉर्मेशन, देर आर 100 मेंबर्स इन क्लब ईच पेइंग, या 1,000 मेंबर इन अ क्लब, 1,000 मेंबर है ईच पेइंग ₹900 ईच। ये इंफॉर्मेशन दे रहा है क्या, सब्सक्रिप्शन कैश मिला 8 लाख, टीवी में क्रेडिट है, आउटस्टैंडिंग है 70,000, सब्सक्रिप्शन एडवांस है लास्ट टाइम आया था 30, करंट ईयर में एडवांस कितना है 50, और देर आर 1,000 मेंबर इन क्लब ईच पेइंग 900। तो आप इसको टीवी नहीं, इसको आप ऐसे कह दो, ये इंफॉर्मेशन मैं ऐसे दे देता हूं आपको, देखो मैं आपको ऐसे कह देता हूं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड रिसीट एंड पेमेंट में बता रहे 8 लाख, आउटस्टैंडिंग 1 अप्रैल 2022 को ओपनिंग है सपोज 70,000 और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 1 अप्रैल 2022 को एडवांस 30। तो ये इंफॉर्मेशन दे रखी है उसने अपने को, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड अदर कुछ इंफॉर्मेशन दे के हमें ये नीचे इंफॉर्मेशन देता है। आप बताओ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ट्रांसफर टू प्रोफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना रहेगा इन बैलेंस शीट। हाँ जी, ये चीज बतानी है आपने सॉल्व करके। मैंने एक रिसीट बताई 8 लाख मिले, आउटस्टैंडिंग कितने थे 70, एडवांस आए हुए थे 30, ईयर एंड पे एडवांस आए 50, देर आर 1,000 मेंबर इन द क्लब ईच पेइंग 900 ईच, ये इंफॉर्मेशन है। आप मुझे बताओ अमाउंट ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना होगा एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना जाएगा, ये दो फिगर आपने मुझे सोल्व करके देने हैं रिप्लाई। और ये कॉमन पॉइंट है, आपको एनपीओ का चैप्टर पढ़ना है तो सब्सक्रिप्शन में ये बड़ा रूटीन काम आएगा, और इसको कैसे आप सोल्व करते हैं बताओ, मुझे बताओ अमाउंट ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना होगा, रिप्लाई नहीं, अमाउंट दैट विल बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो होगा, रिप्लाई मी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, ओके कुछ लोग बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, लेकिन चलो मैं बात करता हूं इसको बनाना कैसे इंफॉर्मेशन। क्या होता है कि स्टूडेंट प्लस वन प्लस टू लेवल से पढ़ता है फाइनल अकाउंट भी और कभी एनपीओ भी फाउंडेशन में, वो ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐसे करता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव 8 लाख, एड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, लेस क्लोजिंग एडवांस एड ओपनिंग एडवांस। कई बार इंफॉर्मेशन मिस भी होती है कोई और वो कंफ्यूज भी हो जाता है, तो इसका बेस्ट वे मैं आपको बता रहा हूं, अगर एनपीओ का क्वेश्चन करना है तो उसका बेस्ट वे क्या है, आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ, सब्सक्रिप्शन अकाउंट ये बनाओगे तो जो ये डाउट्स है ये नहीं रहेंगे। कैसे आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनाएंगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ब्रॉड डाउन, जो 1 अप्रैल 2022 का एसेट है ना, डेबिट बैलेंस होता है ये, आउटस्टैंडिंग का मतलब हमेशा पेबल नहीं होता, ये सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, कितनी आनी बाकी है 70,000, ओके। फिर हमें बताओ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये हमें नहीं पता मार्च 2023 की नहीं गिवन, ओके। आपको और क्या दे रखा है, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन 1 अप्रैल 2022 की एडवांस सब्सक्रिप्शन कितने रुपए की है 30,000 की है,
क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटीज है ना, ये ओपनिंग एडवांस लाइबिलिटी थी क्रेडिट बैलेंस, क्लोजिंग एडवांस यहां पे टू क्लोजिंग एडवांस कैरी डाउन मार्च 23 में क्रेडिट बैलेंस होता है कितने रुपए 50। ये चीजें कोट करनी है आपने। आपको सब्सक्रिप्शन मिला कितना बाय बैंक या कैश, क्या सब्सक्रिप्शन रिसीव कितने रुपए का 8 लाख का गिवन है सब्सक्रिप्शन रिसीव। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस क्लोजिंग एडवांस, लेकिन बाय कैश ये फिगर है सब्सक्रिप्शन की। मिसिंग क्या है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो जाएगा। आप जानते हो सब्सक्रिप्शन का फिगर कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा ना। जब आप कल को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे उस इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में फिगर जाएगा, ये एक्सपेंडिचर और ये क्या होंगे इनकम। तो बाय सब्सक्रिप्शन यहां कितने रुपए आएगा ये मैं अच्छे से जानता हूं, कितना आया आ जाएगा वो छोड़ो। क्लब के कितने मेंबर हैं 1000 मेंबर आर देयर ईच पेइंग 900, तो 1000 मेंबर ईच पेइंग 900 पर एनम, तो एनुअल कितने रुपए हो गया 9। इनकम तो 9 लाख है, नहीं मिला या एडवांस मिला डिफरेंट मैटर है, इनकम तो कितनी क्लासिफाई होगी रुपीज 9 लाख, 1000 मेंबर 900 पर एनम 9 लाख, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो कवर हो गया 9 लाख, ये श्योर है। 1000 मेंबर ईच पेइंग 900 तो 9 लाख, तो आपके पास मिसिंग फिगर कौन सा रह गया, टोटल करो 79 लाख और 50 10 लाख 20,000, इधर भी 10 लाख 20,000, लेस कर दो 830, 10 लाख 20 माइनस 830 190 इज द क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग फिगर। अब बड़े बच्चों का ये गलत था, 1 लाख कह रहे थे, जानते हो क्यों होता है वो, क्योंकि ना आप ऐसे करते हैं, वो बच्चे ऐसे करे जा रहे हैं कि बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव कितने रुपए आया, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 8 लाख, एड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस क्लोजिंग एडवांस एड, ऐसे करे जा रहे हैं, कोई भी फिगर उनके माइंड में कंसेप्चुअली नहीं है। वो फाइनल अकाउंट में भी ऐसे करते हैं, सैलरी पेड एड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, कंसेप्चुअली नहीं आता। सही चीज ये है, ये बिल्कुल करेक्ट ट्रीटमेंट है। आप क्या बनाओ, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी बता रहा हूं, आप क्या बनाओ सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ, क्या ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग असेट है ना, ओपनिंग एडवांस लाइबिलिटी क्लोजिंग एडवांस, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या कोट करोगे, देर आर 1000 मेंबर 900 ईच पेइंग है, तो इनकम तो 9 लाख की है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी, तो आप इस साइड का टोटल करो 970 प्लस 50 10 20 10 20, 8 लाख और 30 कम कर दो तो 190 फिगर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का आ गया। तो ओपनिंग बैलेंस शीट जब आप बनाते हैं फर्स्ट अप्रैल 22 में, वहां आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना गिवन है अपने को 70,000, और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कितना गिवन है हमें, वहां है 30,000। क्लोजिंग बैलेंस शीट जो मार्च 23 में आप बनाएंगे तो वहां पे असेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बड़े ईजली आप सॉल्व कर लोगे, कितना आ गया इस अकाउंट से ये 190। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस वो गिवन था पेपर में 50,000, तो फाइनल अकाउंट इसमें एनपीओ के फाइनल अकाउंट का ये ट्रीटमेंट आपको हमेशा माइंड में सेट रखना है। कभी सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के बाद एरर नहीं आएगा, आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओगे कुछ भी मिसिंग हो। कई बार रिवर्स मोड में पेपर में क्वेश्चन आता है, क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन बट यू हैव टू
प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो स्टूडेंट फिर वो जो क्रैमिंग वाले हैं ना वो ऐसे करते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट पे आना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे रखा है, तो जो ऐड करते थे लेस करो, जो लेस करते थे वो ऐड करो। वो सब क्रैमिंग है, गड़बड़ होने के चांस है। आपको कुछ नहीं करना, जैसे मर्जी क्वेश्चन दे दे, अगर ये फिगर देगा तो रिसीव वाली फिगर आ जाएगी, रिसीव वाली देगा तो इनकम वाली आ जाएगी, कोई क्लोजिंग एडवांस या क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आ जाएगी। क्या आप एक अकाउंट बनाओ, अकाउंट बना के सारी मिसिंग इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ये इनकम हो या एक्सपेंडिचर। कुछ सैलरी प्रीपेड आउटस्टैंडिंग भी है तो उसका भी अकाउंट बना लिया करो, सैलरी का टू प्रीपेड सैलरी, बाय प्रीपेड सैलरी, बाय ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी टू क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी टू बैंक कितनी पेड है, अपने आप आ जाएगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अकाउंट बनाने की प्रैक्टिस करो, अभी टाइम है। तो आप इस मोड में अगर डाउट हो कभी भी किसी क्वेश्चन में तो इस मोड में करना, आपके डाउट्स क्या हैं क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? चलो, जो स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं यहाँ लाइव, रिप्लाई करो, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट में क्या डिफरेंस है? क्या एनपीओ कैश बुक नहीं बनाता? जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनमें आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना देखते हो, कैश बुक नहीं देखते। क्या क्लब्स और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन सर्विस और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जैसे सर्विस प्रोवाइडर है सीएस, दे डोंट प्रिपेयर कैश बुक, नहीं बनाते? देन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट? रिप्लाई मी, क्या डिफरेंस है कैश बुक एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में? पार्डन, अक्रूअल सिस्टम, एनीवन एल्स, समवन रिप्लाइंग दैट इट्स ड्यू टू कंसेप्ट ऑफ अक्रूअल और मर्केंटाइल, दैट्स व्हाई रिसीट एंड पेमेंट एंड कैश बुक डिफर। हाँ जी, एनीवन एल्स, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक? वेदर एनपीओ एंड अदर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन डोंट प्रिपेयर कैश बुक, दे जस्ट प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। एज आपने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं बुकलेट्स में, आपने हमेशा रिसीट एंड पेमेंट देखा है। एनीवन एल्स? ओके, एक और आंसर कि कैश बुक ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कवर करती है और रिसीट एंड पेमेंट कैपिटल एंड रेवेन्यू बोथ कवर करता है। कबीर जी, कोई और है क्या आंसर? देर इज नो डिफरेंस। समवन सेइंग दैट देर इज नो डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो अभी तक जो रिप्लाई आए हैं, समवन सेइंग दैट देर इज नो डिफरेंस, सेकेंड वन इज सेइंग दैट इट्स डिफर ड्यू टू अक्रूअल कंसेप्ट, थर्ड वन इज सेइंग दैट कैश बुक कवर ओनली रेवेन्यू नेचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड रिसीट एंड पेमेंट कवर बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑल आंसर्स आर रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो आप ये चैप्टर कर रहे हैं, एग्जाम आ गए हैं, तो ये टॉपिक आपसे किसी ने पूछा नहीं है, या आपने क्या है जैसे सेल्फ किया, ध्यान नहीं दिया। सुन लो, रिसीट एंड कैश बुक जो होती है ऑल्सो prepared by NPO entity, non-profit organization या service provider, non-trading entity, cash book उनके लिए भी बनती है, वो भी बनाते हैं। तो फिर cash book क्या है? जो cash book है वो date wise individual transactions are recorded, ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, इंडिविजुअल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड।
ठीक। कैश बुक जो है कभी भी सिर्फ इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है, चाहे वो कैपिटल है चाहे रेवेन्यू। कैश आया डेट वाइज लिखोगे ना, जनवरी 7th को आया, जनवरी 8th को आया, सब्सक्रिप्शन आया जनवरी 6th को, लिखो कैश काउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन कैश बुक के डेबिट में। 7th को फिर आया, फिर डेट लिखो 7th, सब्सक्रिप्शन आया। 9th को फिर आया, फिर लिखो। यानी ये डेट वाइज सारे साल की समरी है डेट वाइज, जबकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है ये क्या है, समरी ऑफ ऑल कैश ट्रांजेक्शंस, वो उनकी समरी है। देखो समझो इस बात को, ये तो क्या है, साल में 20 बार सब्सक्रिप्शन आई, डेट वाइज लिखेगी, पहले 10 आई 20 आई, 10 आई 20 आई, 30 आई 50 आई लिखेगी, 60 आई, ये अलग अलग डेट वाइज लिखेगी। मान लो 7 टाइम सब्सक्रिप्शन आई ड्यूरिंग द ईयर, तो ये लिखेगी उसे कितना 200। लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या करेगा, रिसीट एंड पेमेंट टोटल फिगर लिखेगा, टू सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितने 200। ये डिफरेंस है, सब्सक्रिप्शन आई बार बार, कैश बुक लिखेगी बार बार, 7 टाइम आई 7 टाइम डेट वाइज लिखेगी, टू सब्सक्रिप्शन बार बार लिखेगी डेट वाइज। रिसीट एंड पेमेंट क्या करेगा, कैश बुक को उठाएगा। कैश बुक सभी ने बनाई है याद रखना, वो चैप्टर में बनी नहीं हुई कैश बुक, बनेगी भी कैसे, सारे साल की कैश बुक क्लब की आपको क्वेश्चन पेपर में कैसे दे देगा वो बनी है कैश बुक डेट वाइज, बनी है होल ईयर की, उसमें देखेगा वो कैश बुक में जो अकाउंटेंट है, 7 टाइम सब्सक्रिप्शन आई टोटल करेगा, उसकी समरी एक बार में ही लिख देगा, सब्सक्रिप्शन आई कितनी 200। साल में 500 बार सैलरी दी आपने, बार बार सैलरी दी, तो कैश बुक में तो अगेन एंड अगेन डेट वाइज सैलरी पेड आएगा, लेकिन यहां वो रिसीट एंड पेमेंट में क्या करेगा, सारे साल की सैलरी पेड लिखाएगा इकट्ठी, टोटल ऑफ द ईयर। ये बेसिक डिफरेंस है, दोनों में चीजें सेम है, बस उसमें डेट वाइज है, बहुत बड़ी कैश बुक काफी पेजेस में, और ये एक पेज में उस कैश बुक की समरी बताता है, रिसीट एंड पेमेंट टोटल सैलरी की फिगर देगा, टोटल असेट्स खरीदी वो देगा, टोटल रेंट दिया वो देगा। वो रेंट कैसे दिखाएगी कैश बुक, बार बार दिया तो बार बार डेट वाइज दिखाएगी, समझे। तो ये है डिफरेंस बेसिक जो रिसीट एंड पेमेंट एंड कैश बुक। तो हमारा अकाउंटेंट अपना काम इजी कर लेता है, वो कहता जी सारी कैश बुक में बार बार एंट्री हैं, उनका टोटल करके एक समरी पेज रिसीट एंड पेमेंट बना लूं, देन आफ्टर इससे फाइनल अकाउंट बना लूंगा। आपका अकाउंटेंट पी एंड एल में सैलरी कैसे लिखता है, वो इकट्ठी करके ही लिखता है सारी टोटल करके, वैसे ही आप रिसीट एंड पेमेंट में क्या कर रहे हो, टोटल करके। दोनों में कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं, अक्रूअल कंसेप्ट वाला कोई इशू नहीं है। इज दैट क्लियर, इसके रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें इससे रिलेटेड, एनपीओ से रिलेटेड बताई हैं, अक्सर स्टूडेंट इसमें क्या है मिस्टेक करते हैं। ओके, जब आप कंसाइनमेंट का चैप्टर पढ़ेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट का चैप्टर, तो आप याद रखना वहां पे दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं हमेशा, दो तरह के एक्सपेंडिचर, कौन से, एक होते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस और एक होते हैं रिकरिंग एक्सपेंसेस। नॉन रिकरिंग और रिकरिंग, ये अप टू गुड्स रीच्ड टू कंसाइनीज गोडाउन, ये कंसाइनी के गोडाउन में पहुंचने तक के हैं, और ये आफ्टर रीचिंग द गुड्स टू कंसाइनी गोडाउन, उसमें उसके गोडाउन में पहुंचने के बाद के हैं, ये उसके गोडाउन में पहुंचने तक के हैं। ये तो आपने पढ़ा है नॉन रिकरिंग, यानी जिसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, और ये इनडायरेक्ट। तो इसका रोल भी आपको पता है, ये क्लोजिंग स्टॉक में ऐड होते हैं,
टू बी एडेड टू वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हेल्ड बाय कंसाइनी, और ये वाले नॉट टू बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में ऐड नहीं होते, और वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में एडिशन होते हैं जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं। अब क्या होता है, कंसाइनर के खर्च देखो, उसमें तो कोई डाउट नहीं, कंसाइनर दिल्ली का और उसका कंसाइनी जयपुर में बैठा है, तो कंसाइनर माल भेजेगा, उस पर खर्च करेगा इंश्योरेंस या कैरीज, वो हमेशा ही कौन सा खर्च है, नॉन रिकरिंग। कंसाइनर का एक्सपेंसेस तो हमेशा ही क्या है, नॉन रिकरिंग। पर जो कंसाइनी के एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। कंसाइनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो नॉन रिकरिंग भी हो सकते हैं और वो रिकरिंग भी हो सकते हैं, क्योंकि उसके ग्राउंड में पहुंचने तक के जैसे फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, अनलोडिंग ये दिए, तो वो कौन से खर्चे हैं, फ्रेट, अनलोडिंग, ऑक्ट्रॉय, नॉन रिकरिंग। लेकिन गोडाउन का इंश्योरेंस, पैकिंग, गोडाउन का रेंट, वो सारे खर्चे क्या है, रिकरिंग, स्टॉक की वैल्यूएशन में ऐड नहीं होंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन में ये नहीं बोला, बस ये बोला है कंसाइनर के एक्सपेंसेस, कंसाइनर के एक्सपेंसेस 10,000, कंसाइनी के एक्सपेंसेस बोला है 6, कुछ भी मेंशन नहीं, तो आप इसे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस मानेंगे और ये सारे रिकरिंग एक्सपेंसेस, यानी कंसाइनी के सारे एक्सपेंसेस कौन से वाले मान लिए, जो स्टॉक में नहीं जुड़ेंगे, नॉट टू बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक, ये स्टॉक की वैल्यू में ऐड नहीं होंगे। इसे आप कौन से एज्यूम करेंगे, हमेशा वर्किंग नोट देना है कि ऑल द एक्सपेंसेस, इट इज एज्यूम दैट ऑल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी आर रिकरिंग इन नेचर, यानी उसको स्टॉक की वैल्यू में ऐड नहीं करना, कंसाइनर के तो होते ही नॉन रिकरिंग है। हाँ, स्पेसिफाई कर दे कि कौन से हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे, ना कुछ स्पेसिफाई करे तो अकॉर्डिंगली आपको ये अजम्पशन देनी है कि कंसाइनी के एक्सपेंसेस कौन से हैं, रिकरिंग, जो स्टॉक की वैल्यू में ऐड नहीं होते। क्लियर। अब एक और बात, रास्ते में सामान खराब होता है दो तरह का, इसको दो तरह से सोल्व करना है आईसीआई के बुक्स में और आरटीबी, और आप देख लो अब लास्ट डेज के अंदर आपको मॉक टेस्ट पेपर आरटीपी जो आईसीआई की है लास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चंस और आईसीआई का स्टडी मटेरियल जरूर फॉलो करना है लास्ट डेज में। ऐसा है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट सेल्फ कर रहे हो, कोई यूट्यूब पे कर रहे हो, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जा रहा है तो वहाँ से क्लासेस ले रहा है, उनका अपना स्टडी मटेरियल है, तो ठीक है सब कुछ आपने पढ़ा, लेकिन लास्ट में टाइम थोड़ा कम है, पूरा डिटेल करने का अगर टाइम नहीं है तो आप सिलेक्टेड क्वेश्चन ही पढ़ पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे, तो आप जस्ट आईसीआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन तो पढ़ ही जाओ, अगर टाइम कम है तो आईसीआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस, लास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस, सजेस्टेड पेपर लोअर अकाउंट के अवेलेबल हैं, मैथड लॉ के नहीं अवेलेबल होते, लेकिन आईसीआई के सजेस्टेड पेपर आपको आईसीआई के नॉलेज बोर्ड ऑफ स्टडी नॉलेज पोर्टल पे अवेलेबल हैं, वहाँ से करो। मॉक टेस्ट पेपर दो सीरीज 1 सीरीज 2 अवेलेबल है, वो ट्राई करो मॉक टेस्ट पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर जो इश्यू होता है एग्जाम जून 23 के लिए वो पढ़ो, हो सकता है मॉक टेस्ट पेपर और रिवीजन टेस्ट पेपर में से भी कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए, और मॉक टेस्ट पेपर की आप प्रिपरेशन करो 3 आवर में, ताकि आप स्पीड चेक कर पाओ, आप अपना फ्री टाइम देके पूरा 3 आवर में मॉक टेस्ट पेपर 1 और मॉक टेस्ट पेपर 2 ट्राई करो, पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद, रिवीजन करने के बाद। और बता रहा हूँ, अगर सिलेबस पूरा नहीं पढ़ा तो मॉक टेस्ट पेपर ट्राई मत करना, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है क्योंकि पूरा होल्ड बना नहीं, अभी कुछ चैप्टर रिवाइज करने बाकी हैं और पेपर अच्छा नहीं होगा, फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होगी कि मार्क्स कम आ रहे हैं या पेपर पूरा नहीं हो रहा। फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर,
होल सिलेबस एंड यू हैव टू रिवाइज होल सिलेबस, देन आफ्टर यू कैन ट्राई फॉर मॉक टेस्ट पेपर. तो आप 3 आर देख के आप उसे ट्राई करें कि आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं. मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 1 एंड 2 और लास्ट एग्जाम का भी कोई पेपर आप ट्राई कर सकते हैं 3 आर में. आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि मुझे कैसी स्पीड मेंटेन करनी है. आइडिया हो जाएगा कि अगर मॉक टेस्ट पेपर या लास्ट एग्जाम का पेपर 3 आर में पूरा नहीं हो रहा तो आपको एग्जाम में भी प्रॉब्लम आ सकती है. आप अपनी स्ट्रेटजी बदलो. अक्सर प्रॉब्लम स्टूडेंट को होती है, सर पेपर पूरा नहीं हुआ. क्यों? एग्जामिनेशन हॉल में ना वो चीटिंग वीटिंग का भी कोशिश करते हैं कुछ बच्चे, सारे नहीं, 1-2% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कोई डिस्टर्ब करे जा रहा है. एग्जाम हॉल में बैठे हैं, पीछे वाला बार बार पेन मार रहा है, यार ये दिखा दे वो दिखा दे. या कभी आप देख रहे हैं कि एक पॉइंट नहीं समझ आ रहा, किसी मौका देखेंगे मैम इधर उधर होगी, इनविजिलेटर क्वेश्चन पूछेंगे. रिजल्ट क्या होता है? आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप वेट मोड में हैं, कुछ कर नहीं रहे, पेपर रह जाएगा. मैं आपको सजेस्ट करता हूँ इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट मत लो. आपसे अच्छा आपके साथ वाला है ये कोई गारंटी नहीं है. आप क्वेश्चन पेपर लेते ही टूट पड़ो, बस 15 मिनट्स में पढ़ डालो, प्रेफरेंस सेट करो कौन सा फर्स्ट कौन सा सेकंड करना है, और आंसर शीट मिलते ही बस टूट पड़ो और उसे कर दो. परवाह मत करो, जैसा आता है करो, क्योंकि पूछने करने में इधर उधर की चीज़ों में फेथ करने वाले स्टूडेंट्स का पेपर रह जाता है. वो आके यही कहता है 30 मार्क्स का रह गया सर, 40 मार्क्स का रह गया. और पेपर में वैसे ही घर पर करना ईजी है क्योंकि वो रिलैक्स मोड में होते हैं. आप एग्जामिनेशन हॉल में टेंशन लेके जाते हैं, कई बार पता नहीं सी एग्जाम है कैसा होगा. रिलैक्स जाओ, एग्जामिनेशन हॉल में डरो मत, रिलैक्स जाओ, जो होगा देखा जाएगा. प्रिपरेशन बहुत अच्छी की हुई है हमने, टेंशन ना लो, रिलैक्स मोड में. पीछे वाला क्या कह रहा है ध्यान ना दो, क्योंकि डिस्टर्ब हो जाओगे. और कई डराते बहुत हैं, आपने क्वेश्चन किया आंसर आ रहा है 40 लाख, पीछे वाले ने बाई चांस देख लिया, कहता है भाई तूने गलत कर दिया, आंसर 43 आ रहा है, उससे पूछ ले उससे पूछ ले. क्या आप वहाँ पे वेरीफाई करते फिरेंगे कि 43 आ रहा है कि 40 आ रहा है? आप इन चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो. अपना पानी की बोतल वहाँ लेके जाओ, रिस्ट वॉच लेके जाओ, 3-4 पेन ले जाओ ताकि पेन की कोई दिक्कत ना रहे, एडमिट कार्ड लेके जाओ. कई बार बच्चों ने एडमिट कार्ड पे फोटो जो दे रखी होती है वो 9th-10th वाली दे देते हैं. अब वो प्लस टू के बाद थोड़ी अपीयरेंस चेंज हो जाती है, वो फोटो वैसी नहीं है जैसे एक्चुअल में आपकी अपीयरेंस है, तो प्रॉब्लम आती है, वहाँ टेंशन होती है, वो चेक कर रहे हैं भाई ये तो फोटो ही नहीं मैच कर रही. तो इसलिए आप अपना कोई आई कार्ड ले जाएं या आधार कार्ड भी ले जाएं, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है, लेटेस्ट फोटो नहीं लगाई तो आईडी के लिए कि देखो ये मैं ही हूँ इस तरह से, ताकि कोई टेंशन ना रहे. एग्जामिनेशन हॉल में रिलैक्स. लास्ट मोमेंट पे एग्जाम में बुक्स ना लेके जाओ. एग्जामिनेशन हॉल तक बच्चे बुक्स लेके जाते हैं, पेपर में कॉल हो रही है कि बैठो सभी, उसके बाद भी बुक पढ़ते रहते हैं, टेंशन रहेगी. रिलैक्स रहो, जो सारा साल नहीं हुआ 1 आवर या 30 मिनट्स में क्या होगा. बुक्स ना लेके जाए, पेपर के बाद डिस्कशन ना करें कैसा हुआ, जो हुआ वो तो हो चुका है, अब नेक्स्ट पेपर तैयार करो. सिर्फ 1 डे का गैप है. दोस्तों से या घर आके बुक्स में से टैली मत करो, एग्जाम के बाद करना. अभी जो हुआ हुआ, कुछ होने वाला चेंज होने वाला नहीं है, वो डिस्कशन ना करो. सभी टीचर आपको समझाते हैं. और कई बार क्या होता है, फाउंडेशन का पेपर देने जा रहे हैं, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले आपसे फ़ोन नंबर ले लेते हैं डिटेल, वो ड्यूरिंग एग्जाम ही टिप्स भेजे जा रहे हैं आपको, इंटरमीडिएट का बताए जा रहे हैं, एग्जाम के बीच में ही आपको डिस्टर्बेंस मिल रही है. तो ऐसा कुछ ना करो, फोन नंबर वगैरह लोगों से शेयर ना ही करो, पहले रिलैक्स मोड में फाउंडेशन दो, बाकी चीज़ें बाद में होएगा, इंटरमीडिएट भी आराम से, पहले फाउंडेशन पे फोकस करो. ये कुछ. और नींद पूरी लो. बहुत स्टूडेंट, अभी कुछ स्टूडेंट कह रहे थे, कहता जी हमने नींद आ रही है मुझे क्योंकि कल रात हमने जागरण किया. मैंने कहा यार जागरण किया मतलब कोई वो घर में फंक्शन हो गया क्या? नहीं जी, मतलब हम सोए नहीं, पढ़ते रहे सारी रात, पढ़ते रहे सोए नहीं. एक्चुअल में बड़ी प्रॉब्लम है ये. एग्जामिनेशन हॉल के अंदर नींद आती है, माइंड आपका कॉन्सेंट्रेट नहीं करता. तो आप क्या है, नींद पूरी लो और एग्जाम से कुछ दिन पहले सिस्टम चेंज कर लो. अब बड़े बच्चे होते हैं जो क्या है, दिन में सोते हैं और रात को जगते हैं, कोई बुरी बात नहीं है. ये हर बच्चे का एक स्टडी का, मैं तो हमेशा कहता हूँ आप अपना पीक टाइम देखो. हर बच्चे का 24 आवर में एक पीक टाइम होता है. जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं स्टडी करता था सुबह 3 बजे 4 बजे, 4 AM to 8, 9 AM ऐसा.
तो आप 4-5 आवर सुबह, मुझे सुबह अच्छा लगता था, मुझे जो टफ टॉपिक थे थ्योरी और ऐसे टॉपिक मैं सुबह करता था। तो कुछ बच्चों का ऐसा होता है वो लेट आवर में इवनिंग में करते हैं, रात में जगते हैं, कोई बुरा नहीं, आपका टाइम वो बेस्ट है। आप डिटेक्ट करो, दिन में कुछ टाइम ऐसा होगा जब आपका माइंड बहुत अच्छा चलता है, हो सकता है किसी का रात में अच्छा चलता है, किसी का आफ्टरनून में, किसी का मॉर्निंग में, वो आप टाइम अपना डिटेक्ट करो। हर एक का अपना एक सिस्टम होता है, उसके अंदर पढ़ो। बट एग्ज़ाम से 10-15 डेज बिफोर आप अपना शेड्यूल ऐसा बना लो कि एग्जामिनेशन हॉल में दिक्कत ना आए। अगर आप दिन में सोते हैं और रात को जगते हैं तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में दिक्कत आएगी, क्योंकि आपका नींद का शेड्यूल ऐसा है, दिन में नींद आती है आपको, रात को आप जगते हैं, एकदम से एग्जाम डेज में कैसे चेंज होगा वो सिस्टम। इसलिए एग्जाम से 10-15 दिन पहले आप अपना रूटीन ऐसे बना लो जैसे आपने एग्जाम देने जाना है 2-5, उस वक्त आप बिल्कुल मत सोएं, उस वक्त आप स्टडी करें, उस वक्त आप ऐसी सेटिंग करें कि आपका मन लगे, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि एकदम से अपनी बॉडी जो है सिस्टम एडजस्ट नहीं करती। अचानक आप दिन में काम करना चाहते हैं, हमें ऐसी हैबिट नहीं होती। और एक दूसरे फ्रेंड की स्टडी में हेल्प करो, पेपर में नहीं कह रहा, स्टडी में। एक फ्रेंड कह रहा है मुझे यार ये टॉपिक थोड़ा कम आता है, बुला लो उसे, समझा दो, ये गुरु मंत्र है, मैं टीचिंग में आया ऐसी आया, क्या मेरे फ्रेंड्स कहा करते थे यार सुमित तू मुझे ये चीज समझा दे, तुझे अच्छा आता है, एक दो ने और कह दिया सुमित तू समझा दे। जब वो मुझे कह रहे हैं तो मुझसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि सुमित ये चीज करवाएगा, तो मैं उसको पहले प्रिपेयर करूंगा अच्छे से, क्योंकि मेरे से बड़ी एक्सपेक्टेशन है, 2-3 बुक्स पढ़ूंगा, नोट्स बनाऊंगा, देन आफ्टर वो मेरे पास क्लास ज्वाइन करेंगे, उनको समझाऊंगा, वो क्वेश्चन पूछेंगे, रिप्लाई दूंगा, जो उनके बदले बदल के क्वेश्चन आएंगे वो मेरी असेट बनेंगे, वो क्वेश्चन मेरे दिमाग में सेट रहेंगे, मैं उनको सोल्व कराऊंगा और मेहनत करूंगा, नेक्स्ट डे और करवाऊंगा। उनका तो पता नहीं कितना तैयार हो, आपका सिस्टम जबरदस्त होगा, आपकी कमांड उस पर जबरदस्त होगी। जैसे आप इंटरमीडिएट करेंगे उसमें एक सब्जेक्ट है EIS SM, उसमें स्टूडेंट परेशान रहते हैं, EIS SM एंटरप्राइजेस से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, पहले उसका नाम होता था FEDP, फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, वो कंप्यूटर से रिलेटेड था। उन दिनों में कंप्यूटर की नॉलेज कम हुआ करती थी लोगों की, जब हमने CA किया, मैंने 2016 में CA क्वालिफाई किया था, अभी तो हम लोग टीचिंग में हैं, 200+ हमारे CA स्टूडेंट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में जो काम कर रहे हैं। तो क्या हुआ, वो बच्चे आते थे, वो मुझे कहते यार FEDP तू करवा दे ये सब्जेक्ट कंप्यूटर का, अतः मुझे भी नहीं था लेकिन थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज थी। अब उन्होंने कहा मुझे करवा, वो कहता है मुझे करवा, धीरे धीरे वो मेरे पास अप्रोच करने लगे फ्रेंड्स, मैंने इधर से बुक ली, इधर बुक ली, 3-4 बुक्स ली, अच्छे से स्टडी किया, नोट्स बनाए कि दोस्त आएंगे फिर मैं उनको क्या करवाऊंगा, बड़ी एक्सपेक्टेशन है उनको, तो धीरे धीरे मैं स्टडी करके उनको करवाने लगा। धीरे धीरे 3 आने लगे, 4 आने लगे, लास्ट में मैंने 15 फ्रेंड्स का बैच पढ़ाया पूरा FEDP का, दोस्त थे, चाय पिलाता था उनको सबको और पढ़ाता था, बड़ा जबरदस्त हो गया। जब मैं एग्जाम देने जा रहा था तो 2-4 मेरे सीनियर थे, बाई चांस CA में सीनियर जूनियर भी बन जाते हैं कभी कभी अटैम्प्ट देते देते, तो वो डिस्कशन कर रहे थे कुछ, तो वो डिस्कशन कर रहे थे, पेपर हमारे साथ देने जा रहे थे, वो कुछ क्वेश्चन रेज कर रहे थे, हाँ जी ये लैंड सिस्टम क्या, उस वक्त लैंड सिस्टम भी लोगों को नहीं पता होता था, ये बसेस क्या है लैंड, तो मैं उनको मिनट में रिप्लाई दे रहा था ऐसे ऐसे फटाफट, क्योंकि मैंने किसी को टीच किया था तो मेरे कंसेप्ट जबरदस्त थे। वो हैरान रह गए, कहता जी किसी को ये सब्जेक्ट इतने अच्छे से कैसे आ सकता है, ये सब्जेक्ट तो समझ ही नहीं आता और तू ऐसे बताया जा रहा है। तो मुझे फील हुआ कि शायद ये मेरे को उनको टीच करने का बेनिफिट मिला है। तो कभी कोई फ्रेंड आपसे कोई टॉपिक समझने आ रहा है तो ये मत सोचो कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, ये सोचो वो आपकी हेल्प करने आ रहा है, आप उसे टाइम दे दो, वो टॉपिक आपका जबरदस्त तैयार होगा। लाइफ में कभी भी एक्सपीरियंस करके देख लेना, बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। तो एनीवन कैन रेज एनी क्वेरी, हाँ जी बताएं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल शेयर मी। बैंक रिकंसिलेशन एंड बिल ऑफ एक्सचेंज,
हाउ कैन वी प्रिपेयर इट? बेटा व्हेन यू आर गोइंग टू अपेयर फॉर सी एग्जाम्स तो नोविन विल सजेस्ट अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और स्किपिंग अबाउट एनी टॉपिक. तो यू मस्ट प्रिपेयर ऑल द टॉपिक. ये मतलब एज अ टीचर या एज अ आप सीनियर अपना ब्रदर समझ लो मुझे, मैं आपको कहूँगा कोई टॉपिक स्किप ना करें. कोशिश करो दोनों ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, दोनों पे फोकस करो. बैंक रिकंसिलेशन, बैंक रिकंसिलेशन एक क्लास में हो जाता है. बैंक रिकंसिलेशन जस्ट अ सिंगल क्लास. आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लें, मुझसे शेयर करें, मैं आपको कुछ वीडियोज शेयर करूँगा. श्योर है कि मैं एक क्लास में आपको क्या है बैंक रिकंसिलेशन का पूरा सलूशन दे सकता हूँ. आप मेरे से कॉन्टैक्ट करें. हाँ जी सर. हाँ कबीर जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कॉन्टैक्ट शेयर करने में? हाँ ओके. हाँ नहीं, आई एश्योर यू आप लोगों ने फेथ किया है हम पे और आपने एक अपॉर्चुनिटी दी है टू शेयर द नॉलेज विद स्टूडेंट्स. इन फ्यूचर भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम रही तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, नो मैटर. स्टूडेंट के साथ ही अपनी पहचान है. तो आप फ्यूचर में भी कभी कहेंगे तो कोई इश्यू नहीं है. और स्टूडेंट ये नंबर है, प्लीज नोट कर ले, 9896070560 9215170560. ये फोन नंबर हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना. दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है. आप जो बैंक रिकंसिलेशन कह रहे हैं सिर्फ एक या दो क्लासेस में पूरा टॉपिक क्लियर होगा, स्किप मत करना. आप कोशिश करना मेरे कहने से. और बिल ऑफ एक्सचेंज तो बहुत लेंथी नहीं है, बता रहा हूँ. अकोमोडेशन बिल में स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहती है, वो एक टॉपिक होता नहीं, वो पूरा चैप्टर छोड़ जाता है कि नहीं ये नहीं होगा, जबकि प्रॉब्लम उसको एक टॉपिक में रहती है. तो मैं आपकी फुल सपोर्ट करूंगा, कोई क्वेरी हुई तो वो भी रिजॉल्व करूंगा, कुछ वीडियोस भी शेयर करूंगा इस टॉपिक से रिलेटेड. श्योर है कि आप नेक्स्ट टाइम स्किप करने की नहीं सोचेंगे. तो आपका ये 2-3 डेज आप इस पर स्पेंड करोगे, क्लियर हो जाएगा. एनी वन एल्स? देखो वैसे पास्ट में अगर बात करूं, स्टूडेंट ने जेल पेन भी यूज़ किया है, ब्लू पेन भी यूज़ किया है ब्लैक के साथ, तो पेपर चेक होता है, कोई बात नहीं. मैं जो एग्जामिनर है उनसे भी बात करता हूं, मेरे स्टूडेंट्स ही काफ़ी पेपर चेक करते हैं, तो वो कोई ऐसा इशू नहीं है, पेपर चेक होता है. लेकिन सजेशन ये है कि बॉल पेन ब्लैक यूज़ करते हैं तो उसकी स्कैन इमेज बहुत अच्छी बनती है. आपको पता होगा जो आपका एग्जामिनर पेपर चेक करता है उसके पास आपकी फिजिकल आंसर शीट नहीं जाती. आजकल क्या होता है, वो स्कैन होती है, जो आपका एग्जामिनर है उसके पास सॉफ्ट कॉपी जाती है, वो इंस्टीट्यूट के सॉफ्टवेयर पे सामने बैठ के वो आंसर शीट आपकी डिस्प्ले होती है, वही चेक करता है ऑनलाइन, अब उसके पास पेपर फॉर्म में नहीं जाती. तो वो जो ब्लैक बॉल पेन की जो इमेज होती है उसकी स्कैन कॉपी बहुत अच्छी बनती है और कम एमबी में बनती है, दैट्स वाई वो सजेस्ट करते हैं. वरना आपने अगर बाय चांस बाय मिस्टेक ब्लू पेन से कर दिया तो घबराने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा, कुछ ऐसा नहीं है. पर सजेशन यही है, प्रेफरेबल यही है, ICI आपको एडवाइज करता है कि यू मस्ट यूज ब्लैक बॉल पेन. यस ओके यस. यस ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है. स्टूडेंट को लगता है जी क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी और आगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 इसमें अटेम्प्ट 4 आता है, अटेम्प्ट एनी 4. अब स्टूडेंट को लगता है कि फर्स्ट कंपलसरी पहले ही करना है, बाकियों में से फिर 4, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा. आपको वो क्वेश्चन करना है 4 और 1, ये आपको जो मोस्ट फैमिलियर है,
और स्मॉल साइज्ड क्वेश्चन हैं। 15 मिनट रीडिंग के जो मिलेंगे, आप उसमें ये सिलेक्ट करो कि किस ऑर्डर में आपने अटेम्प्ट करना है। आपको लगता है क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट फैमिलियर है तो फर्स्ट ये कर दो, आपको लगता है फिर उसके बाद ये ठीक लग रहा है सेकंड ये अटेम्प्ट कर दो, फिर लग रहा है ये क्वेश्चन की लेंथ भी कम है ये ठीक है तो थर्ड ये ऑर्डर आप पे डिपेंड करता है फर्स्ट कौन सा अटेम्प्ट करना है। ये कोई कंपल्शन नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस में फॉलो करना है। फर्स्ट 6 अटेम्प्ट कर लिया, सेकंड क्वेश्चन बाद में कर लिया, नो मैटर, इट्स डिपेंडेंट ऑन यू ओनली। बेटा आई विल सजेस्ट यू दैट यू मस्ट कवर आरटीपी एमटीपी विद स्टडी मटेरियल, क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ है सेम क्वेश्चन जस्ट माइनर चेंजेस इन द फिगर, सेम क्वेश्चन आरटीपी के मॉक टेस्ट पेपर के एग्जामिनेशन हॉल में मिलते हैं। तो कोई आपको देखो चलो, हाँ जी हाँ यस यस कबीर कह रहे हैं अभी इंटरमीडिएट इन्होंने लास्ट सिमिलर बिल्कुल डिटो कॉपीड क्वेश्चन। तो कभी कभी ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि आप एमटीपी पढ़ने मॉक टेस्ट पेपर और आरटीपी सेम क्वेश्चन, अगर आपको लगता है टाइम बहुत कम है अभी सिलेबस पढ़ा है, वैसे आप लेट हो अगर आप ये सोच रहे हैं टाइम कम है क्योंकि लास्ट मंथ है, चलो फिर भी आप थोड़ा रुक के भी करेंगे तो आप सोल्व करके नहीं देख सकते, तो आप कैलकुलेटर लेके बैठो, अपना रजिस्टर नोटबुक लेके बैठो, क्वेश्चन पढ़ो जो बहुत ही सिंपल है, वो कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन कर लो उसकी टाइम अगर कम है, और जो कुछ टेक्निकल लगता है उसको डिटेल में कर लो, उससे थोड़ा टाइम आपका सेव होगा। बहुत ज़्यादा नहीं, 2 एमटीपी अवेलेबल है, 1 आरटीपी अवेलेबल है, तो कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी 1 मंथ है एग्जाम में तो यू मस्ट कवर इट। यस 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 ये कह रहे हैं कि सपोज क्वेश्चन नंबर इस तरह है, क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट सी को पहले कर दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी कर दिया, फिर क्वेश्चन नंबर सी का पार्ट ए कर दिया, फिर क्वेश्चन 3 पार्ट्स आर देयर मान लो, तो इज इट पॉसिबल? यस यस पॉसिबल, यस अलाउड, ऐसा पॉसिबल है। एक्चुअल में जो एग्जामिनर होता है ना उसके पास क्वेश्चन नंबर 6A, 6B, 6B ऐसे शीट रहती, उस पर मार्किंग करता है वो कि 6A में कितने हैं, 6B में कितने हैं और 6C में कितना स्कोर है, तो उसे फर्क नहीं पड़ता कि आपने 6C पहले किया है 6A बाद में किया है, ये ऑर्डर पॉसिबल है। यस अलाउड, नो मैटर। हाँ यस 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 बिल्कुल, पार्ट एक जगह करो एक साथ, ये नहीं कि 6C किया फिर 5A किया फिर 6B किया फिर 5D किया, ऐसे ना करो, पार्ट जो है वो आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन एक क्वेश्चन के सभी पार्ट एक जगह करें। और कौन सी टेबल? हाँ फ्री एंड टेबल, मैंने तो पूरी सीए में कभी स्केल यूज ही नहीं किया, फ्री एंड ही बनाया, ये अकाउंट बनता है। हाँ स्केल पेंसिल्स, कुछ लोग कलर डिफर कर देते हैं वो लाइंस बनाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्री हैंड लाइंस जो हैं टेबल्स जो हैं आप बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, ये सी लेवल पे कोई इतना इशू नहीं होता, बस इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए सारी अंदर बस। और आप रफ वर्क कहाँ करेंगे? कभी बच्चे पूछते हैं सर रफ वर्क के लिए क्या शीट एक्स्ट्रा मिलेगी क्या? ऐसा है जो आपकी आंसर शीट है ना, आंसर शीट के लास्ट 1 or 2 pages पे आप रफ कोट कर दो, ऊपर रफ कोट करके उस पे आप रफ वर्क करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट पेजेस आंसर शीट के रफ ऊपर कोट करके उस पे रफ वर्क कर ले, नो इश्यू, उसको यूज कर सकते।
यस इट हैज बीन ऑलरेडी आंसर्ड, अपा इस सेशन में आंसर दे चुके हैं कि वो फर्स्ट चेक करता है या फिर वो बेस्ट। देखो बेस्ट आप ट्राई करो कि आप फर्स्ट बेस्ट आपके जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करो, लेकिन बाय चांस अभी क्या होता है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और हमें लग रहा है कि इसमें डाउट है, टाइम पड़ा है आपके पास, तो आप एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं तो वो एक्स्ट्रा चेक होगा। सजेशन ये है कि ऐसा ना करो, उसको क्लोज कर दो। जो क्वेश्चन पीछे डाउट वाला है और जो नेक्स्ट अटेम्प्ट किया वो ज्यादा अच्छा अटेम्प्ट हो गया है, उसको क्रॉस कर दो पीछे जाके जो पढ़ा था, सारी प्रॉब्लम खत्म। पर अगर आपने क्रॉस नहीं किया, वो भी पढ़ा है और एक्स्ट्रा ओवर अटेम्प्ट हो गया, तो मेरा ओपिनियन है, जितना मैंने अपने और फ्रेंड से डिस्कशन की एग्जामिनर से, वो कहता जी हम तो बेस्ट आउट ऑफ अटेम्प्टेड देते हैं, 5 कर दिए, अटेम्प्ट 4 करने थे, तो आपको बेस्ट 4 के मार्क्स दे देते हैं, उनका ये ओपिनियन है। पर फिर भी मैं कहता हूँ आप रिस्क ना लो, आप क्या करो, जो क्वेश्चन आपको टाइम बच गया एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर दिया, अटेम्प्ट करने के बाद फील हो रहा है कि ये ज़्यादा अच्छा बेटर अटेम्प्ट हो गया है, जो पीछे अटेम्प्ट किया वो डाउटफुल है, उसको वहाँ जाके क्रॉस कर दो। जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किया वो इवेल्युएट हो ही जाएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो कोशिश ये करो। और ऐसा बिल्कुल ना करो आते सारे हैं बस जल्दी में है कि सारे ही करने हैं, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करके क्या होगा, मार्क्स तो 4 के मिलेंगे, 5 कर दिए एक्स्ट्रा कर दिया एक, तो उसके मार्क्स तो नहीं है, वो तो मजबूरी है कि बाय चांस डाउट है तो कर दिया एक, तो आराम से करो 4 ही करो। और कोई डाउट, थ्योरी पर्पस के लिए आप आईसीआई का स्टडी मटेरियल जो है मॉड्यूल वो फॉलो कर लो, थ्योरी बहुत अच्छी आईसीआई ने दे रखी है। चैप्टर्स की बात करूं, जो थ्योरी के चैप्टर है जिनमें से पेपर आपको रहता है, एक मीनिंग ऑफ अकाउंट है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, काफी पेपर आता है इसमें, अकाउंटिंग पॉलिसीज का छोटा सा टॉपिक है, कॉन्टीजेंट असेट्स एंड लाइबिलिटीज का टॉपिक है, मेजरमेंट डिसिप्लिन उनका टॉपिक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का है, सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस। ये वो चैप्टर हैं जो थियोरेटिकल बेस हैं, रिटर्न बेसिस में कई बार छोटा न्यूमेरिकल भी आ जाता है, अदरवाइज ये प्योर थ्योरी के चैप्टर हैं। आईसीआई के स्टडी मटेरियल में थोड़ा वास्ट दे रखा है, तो आप उसमें से पढ़ेंगे, थोड़ा कम भी ध्यान रहा तो भी काम चल जाता है, तो आप आईसीआई का स्टडी मटेरियल जो है ना उसको फॉलो करो, और ये आपको पेपर में अराउंड 20 मार्क्स का थ्योरी पोर्शन मिल सकता है, थ्योरी 20 आउट ऑफ 120 का थ्योरी, और कंपल्सरी में आता है थोड़ा सा थ्योरी, करीब कभी 12 मार्क्स का तो कभी 16 का, तो बच नहीं सकते, थ्योरी आपको प्रिपेयर करनी ही है, तो आईसीआई के स्टडी मटेरियल को फॉलो करो। कोई डाउट हुआ किसी चैप्टर में, कोई नोट्स वोट्स चाहिए होंगे तो हम आपको शेयर कर देंगे, आपने नंबर नोट कर लिया है। हाँ जी यस 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 आई कैन अंडरस्टैंड योर कंसर्न, यू आर फ्रॉम साइंस टीम, नाउ यू आर गोइंग टू अपेयर फॉर सी ए फाउंडेशन। तो बेटा ऐसा है, बहुत से एग्जाम्पल ऐसे हैं हमारे आस पास में, हमारे ही स्टूडेंट है जो साइंस स्ट्रीम और आर्ट स्ट्रीम से आए और सी ए क्वालिफाई कर गए। हमारे लोकल सिटी में एक राघव अरोड़ा स्टूडेंट है, वो ई एंड वाई कंपनी में है, तो वो साइंस बैकग्राउंड से आके सी ए कर गया, टॉपर में था। ऐसा है, फर्स्ट इसके लिए आपको प्लस वन की अकाउंटिंग और थोड़ी प्लस टू की अकाउंटिंग कवर करनी चाहिए। प्लस वन अकाउंटिंग में बेसिक करो, अदरवाइज सीए फाउंडेशन में वो बेसिक कवर नहीं होगा। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, चैप्टर मैच करते हैं कि इसमें जर्नल भी है, सीए में लेजर भी है, ट्रायल बैलेंस भी है, पर उससे काम नहीं चलेगा। वो क्या है, बहुत ब्रीफ में है, वो एक रिविजनरी पर्पस है कि बच्चे को चलो रिवाइज करवा दें, डिटेल स्टडी उससे नहीं होगी, कंसेप्ट क्लियर फाउंडेशन वाली जर्नल लेजर से नहीं। उसके लिए आपको प्लस वन लेवल की बुक, कोई आस पड़ोस में कोई स्टूडेंट हो, चलो टीचर अवेलेबल नहीं है, तो कोई बीकॉम एमकॉम का स्टूडेंट हो या कोई सीए फाउंड इंटर का स्टूडेंट हो नॉन में, उसके पास आप जाओ, वो आपको इंडिविजुअली टाइम दे, 1 आवर 30 मिनट या 2 आवर डेली, वो आप पे 1 और 2 मंथ लगाएगा, तब जाके आपकी अकाउंटिंग बेसिक स्ट्रांग होगा,
देन ओनली यू विल बी एबल टू प्रिपेयर फॉर CA फाउंडेशन एग्जाम, नहीं तो आपके कंसेप्ट वीक ही रहेंगे। फाउंडेशन क्लियर कर लोगे तो इंटरमीडिएट में फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप प्लस वन प्लस टू का अकाउंटिंग 2-3 मंथ्स लगाओ, फिर अगर टाइम कम है तो सिलेक्टेड टॉपिक कर लो अभी, तो थोड़ा सा आपका उसमें मैनेज हो जाएगा। जी ठीक है, ओके कबीर जी, थैंक यू आपने, हाँ जी हाँ बच हाँ यस यस, थैंक यू ओके थैंक्स।